राजकीय लेखागार परिषद ने पुलिस विभाग के आधुनिकीकरण के लिए सभी फाइल्स को डिजिटल करने का निर्णय लिया है। डीजीपी अशोक राजन ने इसके ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं। पुरानी क्लोज हो चुकी फाइल्स को नष्ट करके बाकी सभी फाइल को स्कैन करके रखा जाएगा। छोटा केस हो तो 3 साल, बड़ा केस हो तो 8 साल, बस उन्हें स्कैन करना है, बाकी फाइल स्क्रैप कर दो। इस रद्दी को भी डाल। ठीक है सर। क्या आफत है यार, इसको पढ़ने में तो पूरा साल लग जाएगा। शशि, इन सबको स्कैन करना है। ये धीरेन सर का नंबर कहां से मिलेगा? डीएसपी धीरेन। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं एसआई शशि बोल रहा हूं सर। सर मैंने आपकी इंटरस्टेट इन्वेस्टिगेशन की फाइल देखी है जो बहुत ही हैरान करने वाली है। इस केस ने मेरी लाइफ बदल के रख दी थी। मैं इसे भूल जाना चाहता था पर तुम्हारे फोन ने भरे जख्म कुरेद दिए। मेरी पूरी जिंदगी मेरी आंखों के सामने आ गई। जल्दी जल्दी कर शशि। नहीं मुझे मत मारना, अगर मुझे मार दिया तो तुमको भी फांसी हो जाएगी। क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत जिंदा नहीं है? मुझे नेकी के नाम से घृणावे है। पूछेगा नहीं क्यों? क्यों? एक इंसान की नेकी को दूसरा इंसान कमजोर समझ लेवे है, उसे अपना गुलाम बना लेवे है। और न जाने कितनी बिरादरियां बर्बाद हो गई, मुझे एक बेरहम डकैत बनाया। और नहीं बनना मन्ने नेक और समझदार इंसान। Walking, begin. Left, right. एक पुलिस ऑफिसर के लिए जरूरी है स्ट्रॉन्ग बॉडी, अलर्ट माइंड और देश की सेवा करने के लिए जज्बा। यू हैव टू गिव योर बेस्ट। यार तूने तो टॉप कर लिया। ये आराम से आराम से आराम से।
ट्रेनिंग के एक साल बाद दिवाली के लिए घर आया था। मॉम, 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 जोर से दरवाजा ठोक, टीवी देख रहे होंगे। से तो तुम मेरा फेस चेक कर रहे हो, इतनी देर में तो मैं सवाल याद कर लेती। वेस्ट ऑफ टाइम। कौन हो तुम? थीरन, कब से वेट कर रहे हैं बेटा? आओ महेश। पड़ोस वाले टीचर की बेटी है, कुछ दिन पहले ही शिफ्ट हुए हैं। भैया भैया, आप मेरा मेकअप किट लाए? मतलब कहीं की? क्यों नहीं लाएगा, ड्यूटी तो ज्वाइन करने दे। तू जाकर फ्रेश हो जा, मैं खाना लगाती हूँ। मुझे लगा तू एकदम यूजलेस है, पर राय बदलनी होगी। रूम तो काफी अच्छा सजाया है। ये मैंने नहीं, प्रिया ने किया कल ही। अच्छा, काफी पढ़ाकू लगती है, 20 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना चाहती। आईएएस की पढ़ाई कर रही है क्या? पढ़ना चाहती है, पर उसके घर वाले आगे पढ़ाना नहीं चाहते। सुना है आपकी बेटी पढ़ाई कर रही है, शादी के बाद अगर वो पढ़ना चाहे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं पढ़ना चाहती हूँ, प्लीज मम्मा को ये बात समझाइए ना। मैं मुझे शादी नहीं करनी, लाइफ में बहुत कुछ है जो मुझे करना है। मैं शादी नहीं करने वाली। एक और बार पढ़ाई का नाम लिया ना तो ये लगा दूंगी। रुको सावित्री, बेटियाँ बेटों से ज्यादा नाम रोशन कर रही है, इससे आगे पढ़ने तुम जानती नहीं हो, मैट्रिक में फेल होने की डबल हैट्रिक लगा चुकी है। घर का काम नहीं करना चाहती क्योंकि पढ़ाई करना है, पर किताब के अंदर कॉमिक छिपा कर पढ़ती है। इंटरेस्टिंग। उसके बाद मैं तुमको कोई स्टोरी सुना रही हूँ। पुलिस से पंगा लेती है, खड़ूस कहीं के। चल नौटंकी। बदमाश। अरे अरे, आज जरा संभाल के, मैं पड़ोसियों से मिलकर आता हूँ। जाइए। क्या भाई, खाना एकदम लाजवाब था। तूने वो रसगुल्ले खाए? हैं? अरे बहरा हो गया क्या, जवाब क्यों नहीं दे रहा? अरे अरे सुन तो। क्या? कुछ नहीं, तुम बात करना चाहती थी तो सोचा बात कर लूं। पापा से बात कराऊं? स्वीटसेस, वो अपनी पड़ोसन है ना प्रिया। हाँ भाई, उसका क्या? वो है ना मेरे इश्क में पड़ गई है। शहर में लड्डू बटवाऊं? तुम्हें तो नहीं है ना, जाने दे। मुझे भी है, मेरी हेल्प कर दो ना प्लीज। मैं तेरी बहन हूँ, कोई ब्रोकर नहीं। और कोई नहीं मिला क्या? अरे ऐसे काम के लिए दोस्त एकदम सही होते हैं। रहने दे यार, मुझे अपना काम नहीं बिगड़वाना। इधर देख, आई योर फ्रेंड, इट इक्वल्स टू टू बिग ब्रदर्स, या फिर चार छोटे भाई। जब प्यार की बात हो ना तो मैं 100 ब्रोकर्स के बराबर हूँ। पक्का उसे भी मुझसे प्यार है, बस तंग कर रही है, थोड़ा भाव खा रही है। मिलते ही चिपकम चिपकी करने वाली सिर्फ पिक्चर में मिलती है, ये तो ना ही बोलेगी। अब जो लव गुरु कह रहे हैं वैसा कर। जैसे कि? पहले उसका पीछा कर। एक बात बता, कुछ ही दिनों में तू डीएसपी बनने वाला है, और लड़की का पीछा करते हुए गिल्ट शिल्ट नहीं हो रहा? हाँ गुड बॉय। कल को अगर तू कमिश्नर बन जाए, कोई बड़ा मिनिस्टर क्यों ना बन जाए, जब तक लड़की बट ना जाए उसका पीछा करेगा, है ना? तो कंटिन्यू। हाँ, प्रिया प्रिया, फिर से पीछा किया ना तो जाके पापा को बोल दूंगी। बट गई क्या? पिटवाएगा तू। किसी ने सच कहा है, भगवान नहीं होता। क्यों नहीं होता?
और क्या, सालों से सुबह शाम भगवान के सामने दिया जलाती है पर रिजल्ट का दिया है कि जलता ही नहीं। यजमान, पूजा पाठ से कोई पास नहीं होता, उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर पढ़ाई करने से ही पास हो जाते ना तो भगवान का क्या फायदा। ये ले, हो गया तेरा। एक घंटे से घूम घूम के रट्टा लगा रही हो, ये मैथ्स है, हिस्ट्री नहीं, समझी? जितना सीरियसली वो किताब पढ़ रही है ना, उससे ज्यादा सीरियसली तो तू उसे पढ़ रहा है। मैं उसे रिक्वेस्ट पर रिक्वेस्ट मारे जा रहा हूँ पर वो भाग ही नहीं दे रही। जो ये बिल्ली का खेल खेल रही है, दिखाता हूँ उसको। मैं तो बैल हूँ, तू तो स्कूल बैल है, जो हर घंटे बजता रहता है। थैंक यू आंटी। ड्यूटी कब से ज्वाइन करनी है? फील्ड ट्रेनिंग खत्म होती ही। तुमने सिविल एग्जाम्स में टॉप किया और एक ये है मेरी नालायक उल्लू की पट्टी ग्रैंड फेलियर। शिक्षक की बेटी 6 बार फेल हो जाए तो नाक कटने वाली बात है। अगर इस साल भी पास नहीं हुई तो अंगूठा छाप शिक्षा मंत्री से इसका ब्याह करवा दूंगा। बस अंकल, इतनी जल्दी क्या है, मुझे एक चांस दीजिए। बेटा, वो मैं अपनी बहन को पढ़ाता था ना सर, तो सोचा कि प्रिया को भी पढ़ा सकता हूँ ताकि वो पास हो जाए। बेटा, इसकी बंजर बुद्धि में ज्ञान के फूल खिलेंगे क्या? पापा, इसकी ट्यूशन की जरूरत नहीं है, मैं खुद पढ़ के दिखा दूंगी। प्लीज 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 प्लीज। पुलिस वाले से डर रही है, तुम्हारे डंडे का जादू चलेगा। मुझे नहीं पढ़ना पापा, मना कर दो। देखा कैसे पापा को लपेटे में ले लिया। ये तुमने ड्रॉ किया है, तुम तो अच्छी आर्टिस्ट लगती हो। चलो चलो, जाके अंकल से कुछ सीखो, उनकी तरह बनना। तो पेज नंबर 200। प्रिया, गेट रेडी, टेस्ट लेके देखें अब तक क्या सीखा है। ये रहा क्वेश्चन पेपर, 10 मिनट का टाइम है। पापा, हमें राहुल का ऑपरेशन कराना होगा, हम पूरी कोशिश करेंगे। धीरज रखो भाभी, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, ये क्या हो गया? उनका बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया है, हम बचा नहीं सके। कैसे जी पाऊंगी मैं, पहले भी चार पत्नी खो चुकी हूँ, फिर से ऐसा भी। फेल होने की वजह समझ में आ गई, इतना तेज टीवी चलाएंगे तो कैसे फोकस करेगी। सॉरी बेटा। चित्रा बहन, घर पर हो? बाप रे, ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा ना? बेटा, मेरी बीवी तो पड़ोसन के घर टीवी देखने चली गई, वो सीरियल में राहुल की कंडीशन बहुत खराब है, उसका आगे क्या होगा मुझे भी देखना है। ठीक है, लेकिन दरवाजा बंद कर लेना और टीवी का वॉल्यूम कम रखना। थैंक यू बेटा। स्वीट हार्ट सिस्टर, क्या बात है? एक मेकअप किट ला के दूंगा अगर कड़क चाय पिलाएगी तो। प्यारे बच्चों, 1 सेकंड भी किताब से नजर नहीं हटनी चाहिए, कॉन्सेंट्रेट। ओके अंकल। साइड आर्टिस्ट आउट, अब हीरो हीरोइन का सीन चालू। तुम स्मार्ट मत बनो। मेरी फोटो क्यों खींची और मुझे आंख क्यों मारी? मैं पापा को बुलाऊं? बुलाऊं क्या? यूजलेस, इस जन्म में कभी पास नहीं हो सकती। इससे अच्छा होगा आई लव यू बोल के लाइफ सेट कर ले। क्यों चिल्ला रही हो प्रिया? इसी से पूछो ना, इसने मारा। क्या हुआ बेटा? इसे ताजमहल पे ऐसे लिखने के लिए कहा था और उसने ये लिखा है। ताजमहल एक बेहतरीन कॉफी, और कॉफी पीने से आपको नींद नहीं आती है। ब्लैक कॉफी पियोगे तो काले पड़ जाओगे, इसलिए दूध डाल के पियो। पिछले एग्जाम में एग्जैक्टली यही लिखा था और पापा ने मुझे 2.5 नंबर दिए थे, है कि नहीं? इसने मुझे आंखें दिखाई पर तुम मत डरना, लगे रहो। पापा, मास्टर जो कह रहे हैं वो करो। ए, उठो, उठो, उठ जाओ।
एक्टिंग 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 प्लीज आज ऑफ दे दो। घर के चूल्हे चौके से बचने के लिए मैंने पढ़ने का ढोंग किया था, पर ये तो उससे भी बुरा है। थोड़ी दया दिखा दो, कितनी क्यूट हूँ मैं, प्लीज। तो फिर पढ़ाई करने के लिए किसने कहा? सिर्फ लव करो। डार्लिंग आई लव यू बोल डाल, आजाद कर दूंगा। नो वे, चल जा। कितनी ढीठ है तुम। मुझे गुस्सा आ गया ना तो सर फोड़ दूंगी। ठीक, आई लव यू कैंसिल। एक किस से काम चला लूंगा मैं। पहले मारने के लिए सॉरी बोल। पहले अपनी आंखें बंद कर। ये तुम्हारा सॉरी बोलने का तरीका है? पापा से पूछती हूँ, ठीक है? चाय। ताजमहल शाहरुख खान ने बनाया था। मम्मी ने ट्रेनिंग पर जाने के लिए पैकिंग करने को कहा है। ज्यादा खुश मत हो, ट्रेनिंग पास में ही है, बीच बीच में आता रहूंगा। फील्ड ट्रेनिंग के बारे में कुछ जानते हो? एक हफ्ते पैरा कांस्टेबल की ड्यूटी देनी होगी, अगले 7 दिन क्रिमिनल्स के पोस्ट चेक करने होंगे, फिर राइटर बन के कंप्लेंट्स लिखनी होगी, ऐसा है कि ड्यूटी कर स्टेशन मेंटेनेंस सीखना होगा, इंस्पेक्टर बनके उनके कामकाज और इन्वेस्टिगेशन करने के प्रोसेस को समझना होगा, और ट्रैफिक हवलदार से लेके डीएसपी तक के सारे काम करने होंगे। कॉलेज स्टूडेंट सर, दोनों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। लौट देना। सर ऐसा तो होना ही था, दोनों के दोनों हेडलाइट बंद करके चला रहे थे। झूठ बोलता है। हेडलाइट्स ऑन थी, लाइट फूटने पे ऑक्सीजन अंदर जाएगा और टंगस्टन जल जाएगा। मुथुर रिपोर्ट में इसका जिक्र करना है। सर ये एनआरआई मर्डर केस है, डॉग स्क्वाड ने पूरे घर को चेक किया है, डेड बॉडी यहाँ नहीं है सर। ये जगह खुदवानी होगी। गुड, और अगले संडे को रेंजर्स की क्लास तुम लोगे, ठीक है? लोकार्ट्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज, जब दो पार्टिकल्स आपस में टकराती हैं, एक पार्टिकल के कंपोनेंट्स दूसरे पार्टिकल में कंप्लेंट के लिए पेपर, बीट ड्यूटी पर रिश्वत मांगना, हमारे डिपार्टमेंट की छवि धूमिल कर रहा है। सर एक्यूज के लिए खाना, स्टेशन का मेंटेनेंस, भूख हड़ताल पर बैठे पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स को अरेस्ट करने पर उनके लिए बिरयानी, इन सब में साल का 3 लाख रुपए जाता है। अगर आप इन सब का इलाज कर सकते हैं तो हम रिश्वत की तरफ देखना बंद कर देंगे। जिनके पास है उनसे ले लो, और जिनके पास नहीं है उन्हें जाने दो। बिरयानी खिलाने के अलावा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। स्वीट सिस्टर, चाय की तलब हो रही है। आदत कुछ ज्यादा नहीं हो रही है, हेल्थ के लिए हानिकारक है। प्यारे बच्चों, जाके दीदी की हेल्प करो चाय बनाने में। ओके भैया, चलो पढ़ाई से छुट्टी मिली। बहुत नाटक कर लिया, पढ़ाते पढ़ाते थक गया हूँ, मसाज करो ना। भूल जाओ। तो ठीक है, पापा को आई लव यू वाली बात बताता हूँ। अंकल, ये फर्स्ट और लास्ट टाइम है। लगे हाथ कमर भी दबा दो। अब एक गाना भी हो जाता तो कितना अच्छा होता। उसे मत देखना।
नीचे होते ना तो पिटाई कर दूंगा। ये क्या नोटबुक्स में तुमने ड्रॉइंग्स भर के रखी हुई है? ओ, तो मेरी मिसिंग फोटोज यहाँ है। वो पुलिस वाला बुद्धू है, आई लव यू। शैतान की बच्ची, वहाँ पापा के नाम की धमकी, यहाँ आई लव यू वाली चिट्ठी। पापा को कंप्लेन करना अलग मैटर है, लव कन्फेस करना अलग। नॉटी कहीं की? तुम डबल नॉटी हो। मेरी पर्सनालिटी और बातों पे फिसल गई ना, है ना? तो फिर फर्स्ट टाइम जब तुम्हारी फोटो देखी तो फिर इतना टॉर्चर किस लिए? फॉर फन। लुक्स में तो तुम पास हो गए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी तो चाहिए था ना। वेट कराने के लिए सॉरी बोल। यहाँ ऐसे ही सॉरी बोलते हैं क्या? नॉक करना चाहिए था ना, आप ही ने तो कहा था जैसा कहे वैसा करो। प्यार का उठता धुआं पूरी दुनिया ने देखा और हमें खांसी तक नहीं आई। जानू जानू कुछ बोलो तो सही। हे, बात करने को कहा था। उसके लिए तो उम्र पड़ी है, मुझे तो कुछ चाहिए। नहीं दूंगी। ऐसी बात है? देख मैं क्या करता हूँ। मैं पुलिस को बुला दूंगी। पुलिस का बाप भी मुझसे नहीं पहुंचा सकता तुझे। थीरू, तुमने प्रॉमिस किया ना कि तुम कभी नहीं बदलोगे और मुझे कभी नहीं डांटोगे और ना ही झगड़ा करोगे। नहीं करूंगा। एक बात बताओ, तुम्हें मैं ज्यादा पसंद हूँ या माँ? तुम औरतों के पास और कोई सवाल नहीं होता है क्या? थीरू, एक बात कहूँ? कहो। I love you. I love you too. तुमसे भी ज्यादा। अच्छा। थीरू, तुम हमेशा मुझे ऐसे ही प्यार करोगे ना? हमेशा। तमिलनाडु पुलिस डिपार्टमेंट में 30 नए डीएसपी ने आज से ड्यूटी ज्वाइन की है। टूटीकॉरन तीरपुर में डीएसपी थीरू ने चार्ज संभाला है। उन्होंने मेरे बच्चे को किडनैप कर लिया है सर, उसे छोड़ने के लिए 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए। कहाँ है वो डीएसपी का बच्चा? इतने समझाने के बाद भी मेरे आदमी पे हाथ उठाया। वो एक एमएलए की नहीं सुनेगा? ए, तू मेरे बारे में जानता नहीं है क्या? बहुत अच्छा, ऐसे ही एमएलए के सामने सर झुका के रहना चाहिए। इतनी इज्जत काफी है? एमएलए पे हाथ उठाना जरूरी था क्या? अरे तुम शादी के बाद घूमना चाहती थी ना? अखबार में फोटो छपवाकर सुपर कॉप बनना चाहते हो? ये प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करता सर, एनकाउंटर करने के लिए लेम एक्सक्यूजेस देता है। सर, पिछले हफ्ते एक लड़की ने ऑफिस से घर जाने के लिए ऑटो पकड़ा। ड्राइवर और उसके दो दोस्तों ने उसका मुंह बांधा और सरिये से उसका हाथ तोड़ा। उसे झाड़ियों के पीछे ले जाके उसका रेप कर दिया। उसके बाद जख्मी हालत में उसे 10 किलोमीटर दूर ले गए और फिर से उसका रेप किया। ये सिलसिला 3 दिनों तक चला। एक टूटी बोतल से उसका गला काटने वाले थे। उसे कहा घर में अकेली कमाने वाली हूँ, हाथ तोड़ चुके हो, जो चाहिए था वो कर लिया, एटलीस्ट अब मुझे जीने दो। उनके सामने वो खूब गिड़गिड़ाई, फिर भी उसका गला काट दिया
और वो तीन कुत्ते, किसी तरह मैंने उन्हें ढूंढ निकाला। अब बताइए क्या करना चाहिए था उनके साथ? तुमने क्या किया? दरवाजा खोलिए, हाईवे पे हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, बच्चे के सर से खून बह रहा है सर, प्लीज दरवाजा खोलिए, एम्बुलेंस को बुलाइए और हमारी मदद कीजिए सर। दरवाजा तोड़ दे। कौन हो तुम लोग? वल्लूर डिस्ट्रिक्ट के चोलावरम में नेशनल हाईवे के पास कल रात को एक सुनसान इलाके में एक घर में डकैती पड़ी। एक ही परिवार के 5 मेंबर्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई। किसी के सिर पे वार किया गया तो किसी के सीने में गोली मार दी गई। छोड़ दो, मत मारो। गुमुटी बुंडी में भी ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया था जिसका कोई सुराग नहीं मिला। जनता में बुरी तरह से दहशत फैली हुई है। उन लोगों को पुलिस कब पकड़ेगी? रिश्तेदार पड़ोसी सब एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगे हैं सर। कॉलोनी के सभी लोग बारी बारी से टोली बना के पहरा देते हैं, घर से निकलने में भी डर लगता है। पुलिस कोई परवाह नहीं कर रही है। इस केस को इन्वेस्टिगेट करने वाले चोलावरम के इंस्पेक्टर सत्या ने भरोसा जताया है कि मुजरिम जल्दी ही पकड़े जाएंगे। सर, प्रिया। हाँ? इंस्पेक्टर सत्या। नमस्ते। नमस्ते। ये घर की चाबी है। थैंक यू। ये सारे खेत इंस्पेक्टर की पुश्तैनी जमीन है। वो जो घर दिख रहा है वहीं रहते हैं। यहाँ पर कितना सुकून है और घर भी बहुत अच्छा है। मुझसे भी अच्छा? हाँ बिल्कुल। ठीक है। थोड़ा और ऊपर। ये यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है? कैसा है दामाद का घर? मेरे पेरेंट्स। नमस्ते। कॉफी। नमस्ते सर। नमस्ते। बहुत ही सुंदर घर है। थैंक्स। डीएसपी ऑफिस के ऊपर वाले घर में और ऑफिसर्स रह रहे हैं, इसलिए इसे फाइनल किया। इसी बात के लिए तो थैंक्स कहा है, वो घर तो इनके लिए ऑफिस ही बन गया था। हे, मुंह क्यों लटका रखा है? डॉल दिलाने का प्रॉमिस पूरा नहीं किया। सिर्फ इतनी सी बात? रुको। ये लिटिल लायन तुम हो और ये शेर मैं हूँ। एक गेम खेले। अब चलते हैं, फॉर्मेलिटी मत करना, कुछ चाहिए होगा तो कॉल कर लेना, ठीक है प्रिया? ठीक है। इजाजत दीजिए। सत्या, कल सारे ऑफिसर्स को कॉल कर लेना। ओके सर। सुना है नए डीएसपी आए? एकदम सही सुना है। आपके बारे में मैंने बहुत सुना है, आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सर। लोकल लीडर और तहसीलदार से मिलना चाहूंगा, मीटिंग अरेंज करो। पेंडिंग केसेस की फाइल्स मेरे टेबल पर रखो। 100 पेंडिंग केसेस में से ज्यादातर कॉमन क्राइम्स थे सिवाय एक के, उसमें छुपे खतरे को उस वक्त मैं भी नहीं भाप पाया। इतना हीनिस क्राइम अब तक पेंडिंग क्यों है? कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? हमने इन्वेस्टिगेट किया, फिंगरप्रिंट्स के अलावा और कोई सबूत नहीं है। नया गैंग था या पुराना या फिर कोई अकेला इंसान, अब तक डिसाइड नहीं कर पाए। और भी कई केसेस थे इसलिए फॉलो नहीं कर पाए सर। मम्मी पापा को घर भेज दिया और अब खुद बिजी हो गए, मैं तंग आ गई। प्रिया यहाँ। अरे आओ भी ना। अच्छा बताओ तुम्हारी सुंदरता का राज क्या है? ये मलाईदार गाल, रसीले होंठ, हिरनी जैसी आंखें, तोते जैसी नाक। ए थीरू, तुम तो मेरे लिए कुछ लाने वाले थे ना, कहाँ है? यहाँ मैं रोमांस के सागर में गोते लगा रहा हूँ और तुम्हें तुम्हारी गिफ्ट की परी। मम्मा नहीं चाहिए, सॉरी। दरवाजा खोलिए सर, हाईवे पर हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। दरवाजा खोलिए, खोलिए दरवाजा। Thank you.
दो बॉडीज और हैं सर, जानवरों की तरह मारा गया है। सेम मोडस ऑपरेंडी। फोरेंसिक वाले फोटोग्राफर अब तक क्यों नहीं पहुंचे? उन्हें ब्लड सैंपल्स और फिंगरप्रिंट्स लेने को बोलो। यस सर। एक भी एविडेंस मिस ना हो, एक एक इंच सर्च करो। ओके सर। लाइन मेथड सर्च अरेंज करो। लगातार तीसरी बार दिल दहला देने वाली डकैती पड़ी है। सीरियल किलिंग, भयानक मौत, नकाब पहने डकैती, क्या पुलिस सोई हुई है? क्या ये अपराधी कभी पकड़े जाएंगे? आप ही बताइए, 10 कांस्टेबल्स मीलों लंबे हाईवे को कैसे सुरक्षित रख पाएंगे? इसके अलावा हाईवे पे भी काम चल रहा है, लाखों गाड़ियों में उन्हें पहचाने कैसे? पहले 11 बजे तक दुकान खुली रखता था, अब तो सूरज ढलते ही घर में दुबक जाता हूँ। रात को अकेले सड़क पर निकलने में डर लगता है। जब शारदा मैडम के घर में डकैती पड़ी तब से मैंने दूसरे घरों में काम करना छोड़ दिया। लोग इस गांव में अपनी बेटियों की शादी नहीं करवाते, हम खुद यहां से कहीं और जाना चाहते हैं। इससे पहले कि लोगों का पुलिस डिपार्टमेंट से भरोसा उठ जाए, इसलिए पुलिस को कड़ा कदम उठाना पड़ेगा और लोगों का भरोसा जीतना पड़ेगा। सत्या सर, तमिलनाडु के सभी पुलिस स्टेशन पर फैक्स भेजो, इससे मिलते जुलते सभी केसेस के डिटेल्स चाहिए। फोटोज, वीडियोस, डॉग स्क्वाड डिटेल्स, फिंगरप्रिंट्स, पैर के प्रिंट्स, टायर मार्क्स, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, फिजिकल एविडेंसेस, क्वेस्ट रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और केस से रिलेटेड और सभी रिपोर्ट्स। ऐसे और सिमिलर केसेस का पता लगा, एक ही गैंग था, कई जगहों पे हत्याएं कर वहां डकैती डाली। गुत्थी का एक सिरा ढूंढने के लिए हमने हैबिचुअल ऑफेंडर्स की लिस्ट बनाई और पूछताछ शुरू कर दी। चोरी करना एक आर्ट है, देखते ही वी काउंट नो घर में कितना माल होगा। घर में सूखते कपड़ों को देख के हाउ मेनी आदमी औरत नौकर है सब पता चल जाता है। डॉग्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है, देसी ब्रीड है या फॉरेन ब्रीड, एक रोटी खाता है दूसरा बिस्किट। अपना औजार ले जाएंगे तो आप जैसे पुलिस वाले बाहर ही धर दबोचेंगे, घर के कबाड़ से ही औजार ढूंढते हैं। सूंघ के पता लगा लेते हैं, किचन किधर, बेडरूम किधर, हाथ लगाते ही पता चल जाता है कौन सी कपड़ों की अलमारी है, कौन सी कैश की। मास्टर की अपने पास होती है 5 मिनट में, साहब साहब कुछ टेस्टी बनाओ तो खा भी लेते हैं साहब, फिर खिसक लेते हैं। बियर आर्टिस्ट और आप हम पे खून का इल्जाम लगा रहे, इंसल्ट है। खड़ा रहे। सर ऐसे नहीं मानेंगे। तुम हटो सत्या, डंडा मुझे दो। अलमारी खोलना मेरा खासियत है, 200 ग्राम तेल और पकड़ के लिए हाथ में राख चाहिए। वही जाते हैं जहाँ खिड़की के पास अलमारी होती है और खिड़की पे चढ़ के जमीन पे तेल डाल देते हैं और फिर जैसे चाहो एक उंगली से भी घुमा सकते हैं, और यही हमारा प्लान होता है सर। काम पूरा। भगवान हमारे पार्टनर हैं, लूट के माल का एक हिस्सा देते हैं, उनको कट नहीं मिला तो मेरा सर कट जाएगा, मैंने नहीं किया सर। और अपना मुंह। त्रिची में कैरावा जाति का एक गैंग काफी सक्रिय हुआ करता था। मैं डिपार्टमेंट में था तो मरियप्पन गैंग डकैतियां डालता था, वो लोग अपनी असली पहचान छुपा के रखते थे। 25 सालों से इन्फॉर्मर का काम कर रहा हूँ, इस तरह का घिनौना अपराध कभी नहीं देखा। सही में सर मुझे नहीं पता है सर। कोई आइडिया नहीं है सर। तमिलनाडु सर। गन रखते हैं डकैती के लिए, कभी नहीं सुना। लाइसेंस निकालो, जितनी भी सुनसान जगह सब जगह नोटिस लगा दो। पूरे स्टेट में आए दिन ऐसे केस सामने लगातार आ रहे हैं सर। ये वाला जस है, इसे देखिए सर, इसके सर पे वार किया गया जिससे इसकी मेमोरी चली गई। ये चोलावरम की है, इसके जबड़े तोड़ दिए, जॉ प्लेसमेंट की सर्जरी करनी पड़ी। ये गुमटी पुंडी। सही कह रहे हैं सर। आप ढूंढते रहेंगे वो मारते रहेंगे, आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप लोग जाइए यहाँ से। ठीक है बैठ जाओ। डॉक्टर, ये डाकुट से आए हैं, हमारे नए डीएसपी हैं,
सालों से एक सपना था, अपने घर में अपने बच्चे पोतों के साथ खुशी से रहना चाहती थी। जो कष्ट मैंने सहे हैं, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे सहे। जीवन भर मैंने त्याग किए हैं साहब, हम सब बहुत खुश थे, लेकिन उस काली रात को एक ही पल में सब कुछ खत्म हो गया। साहब, जो हमारे साथ हुआ वो किसी और परिवार के साथ ना हो, उन्हें जिंदा मत छोड़ना साहब, उन्हें फांसी दिलवाना ताकि और किसी के साथ ऐसा ना हो, उन दरिंदों को मत छोड़ना साहब। मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ, कभी कभी कबड्डी कभी 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 कबड्डी इन हाईवे डकैतियों को एक आम केस समझ के इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था, बट ये ऑर्डिनरी केस नहीं है, ये एक्सट्रीमली रेयर और सीरियस केस है। कौन है ये डकैत? नो आइडिया। कैसे ट्रेवल करते हैं, जुर्म करके कैसे भागते हैं, नहीं पता। सिर्फ एक ही वार से विक्टिम की जान कैसे ले पाते हैं, नहीं मालूम। आज तक एक भी आई विटनेस क्यों नहीं मिला? अगेन नो आइडिया। वो शातिर न सिर्फ सवाल छोड़ गए पर साथ में एक फिंगरप्रिंट भी छोड़ गए। और चूंकि ये एक यूनिक केस है, हमने इस फिंगरप्रिंट को तमिलनाडु के हर पुलिस स्टेशन में भेजा, किसी भी अरेस्टेड क्रिमिनल से ये मैच नहीं किया। लेकिन कई दिनों की कोशिशों के बाद ये एक जगह मैच किया। 1995 से अब तक हुई 22 डकैतियों और हत्याओं के सिमिलर क्राइम सीन से ये फिंगरप्रिंट कॉमन फैक्टर निकला। ये कोई पुराना गैंग नहीं है, एक नया गैंग है जो पिछले 9 सालों से कानून के हाथों से बचता फिर रहा है। उन्हें नहीं पकड़ पाए तो ये क्राइम करते रहेंगे। अब तक 18 लोग जान गंवा चुके हैं, 60 आंख कान खो चुके हैं, जबड़े तुड़वा चुके हैं, कुछ कोमा में हैं। मैं हैरान हूं कि डिपार्टमेंट ने इतनी लापरवाही कैसे बरती। मैं सो नहीं पाता, उन बच्चों और बूढ़ों की चीखें मेरे कान में गूंजती हैं। क्राइम में विक्टिम की जान जाना कोई नई बात नहीं है, इसमें डिस्टर्ब होने की कौन सी बात है? एक आम नागरिक भी जुर्म के खिलाफ खड़ा हो जाता है, हम लोग तो उसकी सैलरी लेते हैं, हमारे घर चलते हैं उससे। एक शर्मिंदगी सी महसूस होने लगी है, लेकिन शायद आपको शर्म नहीं आती। तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सर, सभी विक्टिम्स को सर के एक ही साइड पर मारा गया है। ये जानवरों को मारने की टेक्निक है। इसका एक कंक्लूजन निकलता है कि हत्यारे शिकार करना जानते हैं। उन्होंने देसी कट्टे इस्तेमाल किए जो इस स्टेट में नहीं बनते। पिछले क्राइम सीन से एक चप्पल, गुटखा और एक खाली कारतूस मिला। ये सब तमिलनाडु के बने हुए नहीं थे। सो डीजीपी की परमिशन से एक टीम के साथ पूरे देश में चेक करना चाहते। इतना बड़ा सर्च ऑपरेशन, पागल हो गए हो क्या? कुछ मामूली चोरों को पकड़ने के लिए पूरी बटालियन चाहिए। जानते भी हो कितना बड़ा देश है, कितने जेल्स हैं, पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स हैं, रिकॉर्ड रूम्स भरे पड़े हैं, और तुम एक फिंगरप्रिंट मैच करवाने और कुर्सी तोड़ने के अलावा आखिर तुमने किया ही क्या है? यू मे गो, बाहर वेट करो। इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकता, मिनिस्ट्री से बात करता हूं, फिर देखते हैं। नहीं माना। पब्लिक की सुरक्षा का सवाल है, कुछ तो करना पड़ेगा सर। देखो, इस केस के लिए एक स्पेशल क्राइम टीम बनाओ। एक वैन प्रोवाइड करता हूँ, उसे यूज करो। दूर जाना हो ट्रेन से जाओ। यस सर। प्रिया के पास एक लेडी कांस्टेबल छोड़ के मैं निकल पड़ा। एक चप्पल, खाली कारतूस और एक फिंगरप्रिंट इस देश के एक एक क्रिमिनल से वेरीफाई करना था। देखिए, आंध्रा में ज्यादातर ड्राइवर्स ऐसे ही चप्पल पहनते हैं, इस चप्पल से पता लगाना बहुत मुश्किल है। ठीक इसी तरह के 3 केसेस यहाँ भी रजिस्टर हो चुके हैं। 10 साल हो गए, अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा। सर, सर, अरे भैया कौन थी? एसपी। सर, एसपी की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। लगता है यहाँ पुलिस वालों की भी यूनियन है, इन्हें किसी की परवाह नहीं है। पूछो, अंदर जा सकते हैं क्या? भैया अंदर जाए। ऐसे देसी कट्टे यहाँ इजीली अवेलेबल हैं, इससे प्राइम एविडेंस नहीं मान सकते। यहाँ सेम मोडस ऑपरेंडी के 4 केसेस पेंडिंग हैं। जाके चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में चेक करो। नो, वो हमेशा बैकडोर से एंटर करते हैं, पर आपके केस में सामने दरवाजे से आए। शादी को 2 साल हो चुके थे, प्रिया से इतने दिनों तक दूर नहीं रहा। पैसों की तंगी थी, ढाबे या फिर स्कूल में सोते, जो मिलता खा लेते। एक स्टेट से दूसरे स्टेट घूमते हुए टीम मेंबर्स बीमार पड़ने लगे। बहुत खतरनाक गैंग है, उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल है, क्राइम उनके डीएनए में बसा हुआ है। देखिए, क्रिमिनल ट्राइब्स जो शब्द है वो फॉरेनर्स ने इजाद की है, वो हमें गुलाम बनाकर हमसे हल चलवाते थे। दिल में गिल्ट थी कि प्रिया को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। उन दरिंदों को ढूंढने की मेरी कोशिश ने
मुझे खून से सने इतिहास से रूबरू करवाया। भारत के हर एक कोने में घिनौने क्राइम्स होते आए हैं। जहां जहां भी गए इससे घृणित केस पेंडिंग थे। उन सब केसेस से फिंगरप्रिंट्स के रिकॉर्ड्स इकट्ठा किए और उन्हें हमारे केस के प्रिंट से मैच किया। इन सब के पीछे एक ही गैंग का हाथ था, लेकिन कौन सा गैंग? कौन है वो दरिंदे? इन केसेस से रिलेटेड एविडेंसेस और स्टेटमेंट्स को बारीकी से पढ़ने के बाद एक विचार आया। क्राइम्स की डेट और ईयर के हिसाब से इन डकैतियों को कैटेगराइज किया। एक छोटा सा क्लू मिला है। फर्स्ट, 1995-96 के बाद तमिलनाडु में ही नहीं बल्कि पूरे देश में 4 सालों तक गैंग एक्टिवेट नहीं था। क्यों? शायद सब उस वक्त जेल में होंगे। पर कौन सी जेल? सेकंड, 10 साल पहले तिरुपति में अरेस्ट हुए एक एक्यूज ने स्टेटमेंट दिया कि मैं छोटे गैंग की छोटी मछली हूं। ट्रक गैंग हफ्ते में 4 बार स्ट्राइक करता है, मुझे जाने दो, बड़ी मछली पकड़वा सकता हूं। क्राइम सीन के ऑब्जर्वेशन से गैंग का अंदाजा लग जाता है। थर्ड, एक डाउट है कि यह ट्रक गैंग है। 14 फरवरी 2000 को गुमडी पुंडी में वारदात हुई, फिर 16 को आर्थर में, अगली वारदात 18 को कारीमंगलम धर्मपुरी में और 29 को बैंगलोर के बाहरी एरिया में वारदात हुई। गुड्स की डिलीवरी करते समय ये सारे क्राइम्स हुए होंगे। सत्या, सर वो एक्यूज्ड अभी तक तिरुपति जेल में है, बेल करवाओ और उसे क्राइम सीन पर लेकर आओ। ओके सर। पता करो कि क्या ये ट्रक गैंग का काम है। ये पक्का ट्रक गैंग का ही काम है सर, लेकिन तुम इतने श्योर कैसे हो सकते हो? विक्टिम्स के पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के मुताबिक इस अननोन वेपन से उन पर वार किया गया। ये ट्रक में लगने वाला फ्लैग रॉड है। वो लोगों को मार के इसे फिर से अपने ट्रक में लगा देते हैं। पुलिस के हाथ लगने का सवाल ही नहीं उठता। सभी ट्रक्स को सीज करके रॉड का फिंगरप्रिंट लेते हैं। नहीं सर, बात मीडिया में फैल जाएगी, गैंग सतर्क हो जाएगा। एक स्पेशल टीम फॉर्म करके उन्हें उन्हीं की जगह अरेस्ट करेंगे। उनका एकमात्र एविडेंस है उनके फिंगरप्रिंट्स। नॉर्थ इंडिया में फिंगरप्रिंट्स गिल्ट प्रूव होने के बाद लिए जाते हैं, एंड दैट्स अ प्रॉब्लम। सरकारी खर्चे पे पूरे इंडिया का फ्री टूर किया और अब यहाँ अपनी कहानियां सुनाकर हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। मान क्यों नहीं लेते कि नहीं पकड़ सकते? नहीं सर, जरूर पकड़ सकते हैं। जिस दिन गैंग आप जैसे बड़े ऑफिसर्स पे या किसी एमएलए या मिनिस्टर के घर पर अटैक करेगा, जो एक दिन होकर रहेगा, उसी के बाद पुलिस डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट केस को सीरियसली लेगी और फिर वो गैंग बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। आम पब्लिक की तो कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं। थिरन, सॉरी सर, हमने इस केस को सॉल्व करने के लिए बहुत मेहनत की है सर। इस पे हमारे पैसे खर्च हुए हैं। जब से इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है उन्होंने 5 अलग अलग जगहों पर स्ट्राइक किया है, वैशी ढंग से लोगों को मारा है। डिपार्टमेंट को इसे सीरियसली लेना चाहिए। कोई फायदा नहीं। अच्छाई और बुराई की इस जंग में पुलिस हार रही है, विक्टिम्स के बजाय क्रिमिनल से वफादारी दिखा रहे हैं। दैट्स ऑल सर। स्पेशल टीम की रिक्वेस्ट खारिज कर दी है सत्या, देखते हैं क्या होता है। ओके। मेरी बिल्ली, कोई फायदा नहीं है, उठ जा। मैंने तुम्हें इतने फोन किए, तुमने एक भी नहीं उठा। सर तो बिजी है मीटिंग में। पर ये बेस्ट ऑफर में लाया हूं, अब बिना डिस्टर्बेंस के डायरेक्टली बात कर सकती हूँ। इस ग्रीन बटन को दबाना है। पता है, देख चुकी हूं। प्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, पब्लिक परेशान है। और मैं? मेरा रसगुल्ला। बातें मत बनाओ। क्यों? I'm serious. ओके, सीरियस बोल डाल। इस बच्चे का क्या? यू सच में शैतान? तुम्हारी फ्रेंड की शादी में क्या गिफ्ट ले जाएंगे? तुम डिसाइड करो, जैसा चाहो, जो तुम्हारी इच्छा। सब मेरी इच्छा है तो तुम्हारा होने का क्या फायदा? तुम्हारी हर इच्छा पूरी करना। हो गया, ले जाओ। डार्लिंग, टमाटर भी काट दो ना। एक बात कहूं, घर के काम में मैं तुमसे ज्यादा। एक बात कहूं, मैं तुम्हें काफी ट्रेनिंग दे सकती हूँ। बचाओ आशीर्वाद। ठहर तो।
जंगल में जाके उसे देखें? ऑफ कोर्स, पहले खाना खत्म कर लूं, फिर देखेंगे। रूबी सटा, रूबी सटा, चुप हो जाओ। ये आखिर इतना क्यों भौंक रहा है? हाँ? हाँ? जल्दी करो। चलो कल रात को रूलिंग पार्टी के एमएलए सुगवनम की कुछ नकाबपोश डकैतों ने हत्या कर दी। इस महीने की ये तीसरी घटना है जहां चोरी के बाद घर वालों की बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी गई। एक रूलिंग पार्टी के लीडर के मारे जाने से पूरे शहर के लोगों में दहशत और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। आगे की खबर के लिए हमारे साथ बने रहिए। एक एमएलए को नहीं बचा पाए तो हमारी सुरक्षा क्या खाक करेंगे? इतने दिन हो गए लेकिन अभी तक नहीं पकड़ पाए। सिग्नल पे रिश्वत लेने से फुर्सत नहीं, डकैत कहां से पकड़ेंगे? किस्मत ही साथ नहीं दे रही है। अभी एक महीना भी नहीं बीता कि सुनामी की वजह से सैकड़ों लोग मारे गए और अब एक एमएलए का मर्डर हो गया। घोड़े बेच के सो रहे थे क्या? एक फाइल रेडी की है सर। अरे अगर इतना पढ़ा लिखा होता तो पॉलिटिक्स में खाक नहीं छान रहा होता, तुम्हारी तरह हर महीने फ्री का पगार उठाता। पुलिस वाले भी हमसे गए गुजरे हैं, उनसे जरा संभल कर बात करो वरना तुम्हें फंसा देंगे, समझे? अब तक आम पब्लिक मर रही थी तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब हमारा एमएलए मारा गया है, बाई इलेक्शन होने वाले हैं, करोड़ों का खर्चा होगा। आखिर कौन है वो डकैत? 19 सेंचुरी के दौरान हजारों लोग रहस्यमय ढंग से गायब होने लगे। तब 1830 में गवर्नर विलियम बेनेडिक्ट ने विलियम हेनरी सेलमन को एक ऑर्डर जारी किया एक इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाने का। उनका एक ग्रुप सैनिकों और व्यापारियों के भेष में भीड़ में शामिल हो जाता और निर्दोष लोगों की हत्या करके उन्हें लूट लेता था। तहकीकात के दौरान ब्रिटिश पुलिस को जमीन के अंदर लुटेरों के दफन किए हजारों कंकाल मिले। कुछ राजाओं की मदद से ब्रिटिशर्स को पता चला कि पिछले 450 सालों में इन 20 लाख से भी ज्यादा हत्याएं की है। ब्रिटिश सरकार सकते में आ गई, अपने सैनिक भेज के कुछ ठोस कदम उठाए। तकरीबन 100 को फांसी दे दी गई, हजारों को काल कोठरियों में बंद किया गया, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी गई, उन जंगलों को जला दिया गया जहां वो छुपते थे, उनके पूरे समुदाय को खत्म कर दिया गया। ब्रिटिश साम्राज्य ने इस घटना की आड़ लेकर भारतीयों को आदमखोर का टाइटल दे दिया। उन्होंने पूरे भारत की 230 जातियों की लिस्ट बनाई और उनपे पीढ़ी दर पीढ़ी अपराधी होने का लेबल लगा दिया। इस बहाने उन लोगों पर असहनीय जुल्म किए। आजादी मिलने के बाद पंडित नेहरू की सरकार आई और उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी अपराधियों के इस क्लॉज को हटा दिया और सभी पीड़ित परिवारों की सहायता की। उनका उपकार मान के ये समुदाय अमन चैन से जीने लगा और उन्हें धन्यवाद किया सिवाय कुछ लोगों के। कईयों को तो एहसास ही नहीं था कि ये क्राइम है। महाराष्ट्र से पलायन करके भारत के कई हिस्सों में रहने लगे। तिरुवनमलाई से माइग्रेट करके महाराष्ट्र के चंद्रपुर से लेके उरुपक्कम और गुडुवेंचरी में जाके सेटल हो गए। बांग्लादेश सेंटर होके दिल्ली के बाहरी इलाके में बसे और वहीं क्राइम्स करने लगे। ये यूपी और नोएडा में क्राइम्स को अंजाम देते रहे। इन दिनों जितनी डकैतियां पड़ी इन्हीं में से किसी ने की है। शिकार करना उनका पेशा था और उन्हीं तकनीकों का इस्तेमाल इंसानों को मारने के लिए करते हैं। हमने ऐसे 45 क्रिमिनल्स की लिस्ट बनाई है। तो तुम लोग इन्हें अरेस्ट क्यों नहीं करते? इसके लिए इंडिया के सभी पुलिस स्टेशन में हमें उनके फिंगरप्रिंट्स ढूंढने होंगे। तो अब किसका इंतजार है? IGP नॉर्थ जोन विजय राठौर की टीम इस केस को हैंडल करेगी। कानून के हाथ कमजोर हो गए क्या सर? जल्द ही अपराधी पकड़े जाएंगे, आप लोग धीरज रखिए। भारत माता की जय।
सब कुछ इधर उधर पड़ा है सर। फाइल तो ये भी नहीं है। अच्छा, इधर इधर नॉट आइडेंटिकल, नॉट आइडेंटिकल। हमने आंध्र प्रदेश सर्च किया, नो मैचिंग, नो मैचिंग, नो मैचिंग। कर्नाटक भी खाली गया सर, नो मैच। बस इतना ही फाइल है साहब, मैच नहीं कर रहा। रिकॉर्ड्स आर नॉट इन ऑर्डर सर, हम कोई लूज इन नहीं छोड़ेंगे। मैच नहीं हो रहा। अरे साहब फाइल नहीं है, जाइए आप यहाँ से। आप समझने की कोशिश कीजिए, कुछ नहीं चाहिए सर यहाँ से। नो मैच सर, ओडिशा में कुछ हाथ नहीं लगा, अब हम मध्य प्रदेश जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी कुछ नहीं मिला सर। ये लीजिए, बस यहाँ और कोई फाइल नहीं है। उम्मीद खत्म हो रही है सर, कुछ हासिल नहीं हो रहा है। फिंगरप्रिंट्स मैच करके देखे लेकिन वो भी मैच नहीं हो रहे। जैन साहब आइए। वेस्ट बंगाल में भी कुछ नहीं मिला सर। यहाँ भी कुछ नहीं मिला सर। यहाँ भी कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला सर। यहाँ भी कुछ हाथ नहीं लगा, कुछ हाथ नहीं लगा, सिर्फ मायूसी हाथ, मायूसी हाथ। हेलो, हेलो जैन साहब, तमिलनाडु पुलिस, फाइल्स रेडी? जी आइए। सर कोई उम्मीद नहीं सर। बता देते इतनी दूर आना है, पैक करवा के वैन में सीधे बैठा देते, गरम कपड़े तक नहीं लाए, बीमार हो जाएंगे। थोड़ा एडजस्ट कर लो यार, चलो जल्दी करो। ठीक है, चले गए, घूम फिर के शाम को आएंगे। तुम बैठो फोटो मास्टर, क्या कर रहे हो बैठो? हमको तो लगता है कि आज हम त्योहार भी नहीं मना पाएंगे। सांप, सांप, सांप। क्या हुआ सर, बार बार स्नैप क्यों बोल रहे हैं? स्नैप नहीं सांप, एक एक फिंगर प्रिंट जेरोक्स की तरह दिमाग में प्रिंट हो गया है। जानते हो ये किसका प्रिंट है? भेड़िए के पंजे का। यूपी में मेरठ और आगरा सिर्फ यही दो जेल बची हैं। कल मैं वहीं जा रहा हूं, वहां नहीं मिला तो सारी मेहनत बेकार। नहीं नहीं नहीं, हम अंदर जाने की परमिशन नहीं दे सकते। 5:30 बजे कैदियों को छोड़ने का टाइम होता है और 6 बजे दरवाजे को बंद कर देंगे हम। देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए आप सुबह आइए, जाइए यहाँ से सुबह आइए, सुबह कोई तो रास्ता होगा। अरे जैन साहब, गुड इवनिंग सर। इनका क्या मैटर है? कुछ फिंगरप्रिंट्स मैच करने आए हैं सर। फिंगरप्रिंट्स की क्या जरूरत पड़ गई तुमको? हैरानी की बात है, फिंगरप्रिंट्स के लिए इतनी दूर से आए हो। सर मुझे सिर्फ एग्जिट गेट लेजर की जरूरत है, प्लीज सर, प्लीज सिर्फ एक बार देखने दीजिए, प्लीज प्लीज। जाने दो। जी सर। थैंक यू सर। आइए सर, आइए आइए। हेलो सत्या, एक मैच मिल गया सर। गुड वर्क सत्या, परफेक्ट 8 पॉइंट मैच। यस 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 यस। नाम बन्ने सिंह, एक मामूली जुर्म के लिए गिरफ्तार था। गैंग, फिंगरप्रिंट स्पेशलिस्ट से बात करो, इसे सीक्रेट रखना। सीएम के ऑफिस से कॉन्फर्मेशन तक प्रेस में लीक नहीं होना चाहिए। तुरंत राजस्थान के लिए रवाना हो जाओ। सर एक रिक्वेस्ट है। क्या? घर गए हफ्तों हो गए, ना ठीक से खाया ना सोया हूँ, बिटिया से मिलने की इच्छा है सर। अपनी नींद और आराम को भूलेंगे सत्या, तभी पब्लिक चैन की नींद सो पाएगी। सॉरी सर। इट्स ओके सत्या, गुड जॉब। थैंक्स सर। पहुंचते ही रिलीव कर दूंगा, तब तक तुम्हारे घर पे लेडी कांस्टेबल भेज दूंगा। ओके, थैंक्स सर, गुड जॉब सत्या। ओके सर। थीरू, यस। सुनो ना, क्या हुआ, कोई गुड न्यूज है? बहुत खुश लग रहा है। सर, कांग्रेट्स थीरन। थैंक यू सर। व्हाट नेक्स्ट? राजस्थान पुलिस को फैक्स करना होगा सर, ताकि वो हमें कोऑपरेट करे। He will help you. Thanks, sir. Sir, actually the talk was, समझ रहे हैं आप? हिंदी में बोल दीजिए। आप लोग जहाँ से हो ना, सबको इंग्लिश आती है, वहाँ हमें नहीं आती। सर ने तुमको यहीं रुकने के लिए कहा है, इस बारे में एकदम चुप्पी रखना। प्रिया बोलो। थीरू, आज रात मैं घर नहीं आऊंगा, राजस्थान के लिए निकलना है। कांस्टेबल मेरा बैग लेने आएगा। अगर तुम राजस्थान चले जाओगे तो मैं किसके कंधे पर सर रखकर सोऊंगी? फोन काटो। तुम काटो। ए,
एक इम्पोर्टेंट बात कहना तो भूल गया। क्या है? आई लव यू। मुझे बहलाने की कोशिश मत करो, ओके? बाय। सर, फिंगरप्रिंट वाले आदमी का स्केच बन गया। भैया 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 भैया, राजस्थान से। नमस्ते साहब। नमस्कार सरपंच जी, वो कब निकला? 5 दिन पहले ही निकला साहब। बात पक्की है ना? हाँ साहब। सच्ची बोलियो सरपंच। सत्या बोल रहा हूँ। हाँ बोलो सत्या। सर सर, बन्ने सिंह 5 दिन पहले मम्मकम ग्लास कंपनी का माल लेके निकला है। अब तक चेन्नई पहुँच चुका होगा। बढ़िया, यही दबोच लेंगे। अरे मम्मकम ग्लास कंपनी के अनलोडिंग सेंटर का नंबर निकालो और लोकल पुलिस की टीम वहाँ भेजो। हेलो कंट्रोल रूम, ओनेडी डीएसपी ऑफिस, एमएलए केस का एक्यूज्ड मम्मकम ग्लास कंपनी पहुंच गया है, तुरंत लोकल पुलिस को वहां भेजो। सर उस ग्लास कंपनी का नंबर मिल गया। फोन लगाओ। हेलो, पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। सब इंस्पेक्टर को फोन देना। सर ही लीजिए। सर ऐसा ही दुराई बोल रहा हूँ। दुराई, फैक्स भेज रहा हूँ, बन्ने राजस्थान के ट्रक्स में मिलेगा, उसके सारे साथियों को अरेस्ट कर लेना। होशियारी से, डेंजरस है। कबड्डी 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 नंबर दिखा। ये देखिए नंबर प्लेट, ये देखिए सर, यहाँ चला, इस तरफ, ये देखिए सर, ये भी इधर, इधर ये देखिए सर, इधर देखा। सारे ड्राइवर्स आ गए। आ गए सर। सबकी शक्लें देखा? नहीं नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, नहीं 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 नहीं, ये भी नहीं। कबड्डी 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 एमएलए केस अक्यूज्ड रेड हिल्स की तरफ गया है या फिर शायद पार कर चुका होगा। सभी पुलिस चौकियों पे उसके फोटो भेजो। कुमटीपुटी पुलिस स्टेशन को अलर्ट कर दो, एमएलए मर्डर अक्यूज्ड राजस्थान के ट्रक में है। इधर का किनारे किनारे, उस तरफ कंट्रोल रूम को फैक्स किया। सभी स्टेशन को हाई अलर्ट पे रखो, ट्रक तमिलनाडु से बाहर नहीं जाना चाहिए। चेक करो। ए
है, चल भाग, चल निकल जा। मैं रेड हिल्स की तरफ जा रहा हूँ, कोई अपडेट हो तो मुझे इन्फॉर्म करना। जल्दी उतरो। हेलो रे, सर दरवाजा खोलिए, सर दरवाजा खोलिए, हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया सर। कौन है सर? दरवाजा खोलिए सर, ज्यादा वक्त नहीं, अपने पास जल्दी करो। खोलिए, ये तो वो डकैत है। कौन है देखना तो? कौन है जो दरवाजा खटखटा रहा है? आप लोग पीछे से निकलिए, ये लोग डकैत है। क्या कह रही हो? जल्दी जाइए। हे भगवान, बिना सत्य का कैसे रह पाएंगे हम इन्हें। हेलो प्रिया, थीरू से बात करवाओ। वो तो राजस्थान गए हैं। हे भगवान। दीदी, हेलो, अब क्या करेंगे, हमें मार डालेंगे। पूर्णिमा, क्या हुआ मैडम? दीदी का फोन आया था, काफी घबराई हुई थी, शायद किसी प्रॉब्लम में है। सत्या भैया भी घर पर नहीं है, चल के देख लेते हैं। अपनी बेटी को लेकर पीछे के रास्ते निकल जाओ। जाओ जाओ पापा, जाओ मेरे घर। चलो दरवाजा ना खोले तो तोड़ दे। माँ जी जल्दी आइए, सीधा प्रिया आंटी के घर चले जाओ, जल्दी जाओ। लायन, बिग लायन हमें खाने आ रहा है। उन्होंने चिट्ठी तोड़ दी। सर, सारे ट्रक चेक कर रहे हैं, कुछ ना तो आपको इन्फॉर्म करूंगा सर। तुम सीधे वहां पहुंचो, 5 किलोमीटर दूर हूं, 10 मिनट के अंदर पहुंचा। ओके सर। वो जेवर लेके भाग रही है, तू ध्यान रख। अपनी बेटी को लेके भाग जाओ, चलो जल्दी निकलो। दीदी, मैडम अकेली जंगल की तरफ मत जाइए। दीदी, तुम जाकर घर चेक करो, जाओ। आप जंगल की तरफ मत जाओ ना। है ना, जाने क्या हो रहा है। दीदी, बिग लायन, दीदी, गुड्डी। सर ये रहा ट्रक, नंबर देखो कहाँ का है। जी सर, राजस्थान का नंबर है क्या? हाँ सर, राजस्थान का नंबर है सर। चेक करो, देखो का ये। अरे सर, उनके पास हथियार है सर, वो गोली चला रहे हैं। जल्दी भाई, पुलिस ने ट्रक पकड़ लिया, निकलो यहाँ से। जल्दी करो, चलो जल्दी करो, जल्दी करो। जीप रखो, वो सत्या के घर पर आए हैं, भाग रहे मत देना, पकड़ो उनको जल्दी। अरे जल्दी करो। हेलो कंट्रोल रूम, अक्यूज इंस्पेक्टर सत्या के घर पे है, डीएसपी को इन्फॉर्म करो जल्दी। सत्या शहर में नहीं है, वो हमारी जिम्मेदारी है, मैं पहुँच रहा हूँ, जल्दी से पैकअप बुलवाओ। वो पीछे जंगल की ओर भागे हैं, उनका पीछा करो जल्दी। Thank you.
लोग यही कहीं होंगे। ठीक है सर। आ जाओ चारों। तुम लोग उधर जाओ। ओके सर, जल्दी करो। सेवा। सेवा, सेवा, ए, सेवा, ए, सेवा, 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 ट्रीजन, 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 ट्रीजन हेलो कंट्रोल रूम। डीएसपी की वाइफ प्रिया मैम जंगलों की तरफ गई है। दीदी, दीदी, बेग लाए, बेग लाए। चुप हो जा। मम्मा कहाँ है? हाँ, सब ठीक हो जाएगा। मम्मा कहाँ है? सर, सर, सर वो जंगल की तरफ भागे। हमारे लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं सर। एक पेट्रोल टीम को जंगल से दूसरी तरफ भेजो। जी सर, इमीडिएटली एम्बुलेंस कर लो। ओके सर। पीछे रहो। मुझे तो बहुत डर लग रहा है सर। मैडम इस तरफ गई है। किस तरफ गए सर? संभल के सर। उधर गए सर। प्रिया, रूबी अंदर। भाई गाड़ी रोक, 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 रोक। ए अंदर चल, जल्दी, 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 पुलिस आ रही है, जल्दी कर, आ जा, जल्दी कर। ए चल, चल, गाड़ी चला। एम्बुलेंस पहुंचती होगी, सबको रोड तक ले जाओ। प्रिया, चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना, शांत हो जाओ। प्रिया, प्रिया, मरने वो सेवर नहीं दिए ना। प्रिया, 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 अंकल, प्रिया, 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 प्रिया।
डीएसपी थीरन की अगुवाई में एमएलए सुगवनम मर्डर केस के आरोपी डकैतों को पकड़ने का ऑपरेशन पूरी तरह आंध्र पुलिस की मदद लेने के बावजूद डकैत फरार हो गए सर। सत्या की पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों का बेरहमी से कत्ल कर दिया। मुझे मरने के अलावा और कोई ख्याल नहीं आता। इस वक्त दिल में और कोई ख्याल नहीं आ सकता। खुद को कंट्रोल करो सत्या। सर, डॉक्टर आपको बुला रहे हैं। प्रिया कोमा में है। सर की चोट गहरी थी, उसकी सर्जरी कर दी गई, पर वो ठीक तो हो जाएगी ना? उम्मीद तो है, उसे होश आ जाएगा, शायद कल ही या फिर 4 साल बाद या कभी नहीं। मैं आपको डरा नहीं रहा, हो सकता है प्रिया होश में ना आए। She is under observation और उसका miscarriage भी हो गया है। थीरू, आज से ठीक 6 महीने बाद मुझ जैसी सुंदर सी बेबी हमारी जिंदगी में आएगी। नींद से उठने के बाद पलके झपकाते हुए अपने मम्मी पापा को पहली बार देखेगी। और बेबी जब थोड़ी और बड़ी हो जाएगी, अपने छोटे छोटे पैरों पर खड़े होकर चलना सीखेगी और अपनी मीठी सी आवाज में मुझे मम्मी बुलाएगी। पहले पापा बोलेगी। मम्मी बोलेगी। पापा बोलेगी। मम्मी बोलेगी। पापा बोलेगी। मैंने कहा ना, मम्मी बोलेगी, मम्मी मम्मी मम्मी। थीरन सर, तुम दोनों को ऑपरेशन से रिलीव कर रहा हूं। क्यों सर? हमारा इस ऑपरेशन में रहना जरूरी है। आवेश में काम नहीं हो सकते, यहां तुम्हारा पर्सनल लॉस हुआ है। नहीं सर, जब मैं 6 का था, पापा यूनिफॉर्म में मेरे लिए चॉकलेट लेने गए थे, फिर कभी नहीं लौटे। मां ने कभी उस लॉस का एहसास नहीं होने दिया। ड्यूटी पर जान न्यौछावर करने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। पापा को एक आइडल बना के मुझे बड़ा किया और आज तक उनके बेटे होने का गर्व है। अपने बच्चों का आइडल बनना चाहता हूं सर, ना गुस्सा ना बदला लेने की भावना। इस केस से गए तो हम दोनों को उम्र भर अफसोस रहेगा कि हम अपनी ड्यूटी ठीक से निभा नहीं पाए। प्रोसीड। बोल। कैबिन में और भी औजार है। पुलिस को चकमा देने के लिए ट्रक के पीछे एक सीक्रेट कैबिन भी बना रखा था। लोकेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर ट्रक को पार्क करते थे, इसीलिए टायर के निशान भी नहीं मिलते थे। ये देखिए सर, ये नकली डीजल टैंक बना रखा है जिसमें हथियार छुपाते थे। सब कुछ पूरी प्लानिंग से करते थे सर। ये बड़े शातिर लोग हैं सर। नॉर्थ जाने के लिए काबिल जवान लोगों की टीम बनानी होगी। सीनियर कहीं छुप के आराम फरमाएंगे और रिपोर्ट करेंगे कि वहां कोई है या नहीं। चले जाओ, कुछ साल वहां रहा है। अब सब 8 क्राइम टीम्स में डिवाइडेड रहेंगे। हर टीम में एक फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट होगा जो राजस्थान के बारे में कुछ जानता होगा। क्या हमें हमारा पसंदीदा खाना मिलेगा, सोने का टाइम मिलेगा या अपने घर वालों से बात करने का मौका मिलेगा, ये सवाल जहन में नहीं आना चाहिए। उस गैंग का एक भी मेंबर हमारे हाथ से बचना नहीं चाहिए। आज के बाद ना वो कोई डकैती कर पाए, ना किसी मासूम की जान ले पाए। कोई क्रिमिनल स्टेट में आने की जरूरत ना करे। कर सकते हो सर? यस सर। डिस्पर्स। हर टीम के पेट्रोल, खाना और स्टे के लिए 20,000 दिए गए हैं। फिजूल खर्चे से बचोगे तो आराम से गुजारा हो जाएगा। हमने तिहाड़ जेल के तमिलनाडु रेजिमेंट को अपना मुख्य कार्यालय बनाया। हर एक टीम को अलग स्टेट भेजा गया। मैंने राजस्थान में कैंप लगा के अपना काम शुरू किया। किस गैंग से हैं, उसका लीडर कौन है, पता लगाओ, क्योंकि इस समय कम से कम 8 से 10 गैंग्स एक्टिव हैं। ये आपकी हेल्प करेगा। मेरा नाम मधु है, तिरुपति से हूँ। आपने बन्ने सिंह का जो गांव बताया वो भरतपुर के बाहरी इलाके में है। पता लगाओ कि बन्ने सिंह वहाँ है या नहीं। सर जी, वर्दी में जाएंगे तो जिंदा लौट के नहीं आएंगे, मार देंगे वो। उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि तमिलनाडु की ओर दोबारा ना जाए। उसे अरेस्ट नहीं कर सकते सर जी। अरेस्ट नहीं कर सकते तो मार तो सकते हैं सर।
और हम यहां उसे मारने ही आए हैं। हेलो हेलो। हाँ पापा जल्दी आ जाएंगे बेटा। ठीक है सर, बन्ने सिंह गांव में है। सत्या क्या ट्रेडिंग? यस सर। और सब चीज़ में बैठो जल्दी। जल्दी का काम शैतान का है, मैं सब संभाल लूंगा सर जी। गाड़ी में बैठ जा। सर जी मेरा आपके साथ आना जरूरी है क्या? सबसे जरूरी है। फंस गया भाई। मधु जी सिर्फ तू ही मेरे साथ आएगा। सर जी मैं तो यही ठीक हूँ, आप जाओ। चलना पड़ेगा तुझे। सर जी सोच लो एक बार। सत्या सर जीप में बैठो, कुछ भी हो तुम वहीं रुकना, फोर्स लेकर पीछे से कवर करो। ओके सर। आगे बढ़ो, गांव के दूसरी तरफ चलो। अरे छोटू बन्ने सिंह कहाँ मिलेगा? अरे मामा, अरे बन्ने सिंह मामा, पुलिस मामा, गांव में पुलिस। मैं पता नहीं हमारे गांव में पुलिस का आना मना है। जाओ यहां से। मधु इन्हें बन्ने सिंह को यहां भेजने को बोलो, हम चले जाएंगे। हाँ? भाई साहब मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है, झूठ बोल के ले आए मुझे यहां तक। बर्बाद हो जाएगा। खैर मैं सारे गांव को लेके आ रही हूँ। ठहर जा, इसने मैं देख लूंगा। सर हमें घेर लिया गया है, हमारा बचना मुश्किल है। मर गया पीछे।
कोई भी ना बच के जाने पाए। सर ये गाड़ी के अंदर आ गए, प्लीज मारो। लाठी चार्ज। पुलिस की गाड़ी रोकेगा, पीछे गाड़ी आगे निकालो, निकालो, चलो चलो आगे बढ़ो, जल्दी करो, चलो 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 जल्दी चलो। मन्ने को अरेस्ट करने का ख्याल छोड़ देना चाहिए, अब तक तो वो भाग भी चुका होगा। मैंने तो पहले ही कही थी वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं। 500 की फोर्स के साथ हवा बोलना चाहिए, सबका इनकाउंटर कर देते हैं, तभी अकल आएगी इन्हें। इनकाउंटर करेंगे तो हम पर इंक्वायरी नहीं बैठेगी। जल्द बाजी कर दी। मधु, हमारे इसकी खबर देने वाले इन्फॉर्मर से बात करवा सकते हो? अब तो कोई मदद नहीं करेगा, इतना होने के बाद भी सीखा नहीं। सामान बांधना शुरू कर दो, अगर अब भी नहीं निकले बन्ने आपकी अर्थी का इंतजाम कर देगा। उनके पीछे भागना बेवकूफी है। ये बेशक अरावली नदी के रास्ते से जाएंगे जो कि 5 राज्यों से जुड़ती है। ये हमारे आसपास भी होंगे तो भी हमें भनक नहीं लगेगी, वो यहाँ से वहाँ भटकते ही रहते हैं। उन्हें अरेस्ट करना तो नामुमकिन है। हाँ, मैं उन्हें मैसेज पहुँचवा सकता हूँ कि कभी भी मद्रास की तरफ ना जाए। वो अपने स्टेट में क्राइम नहीं करते, बाकी सब स्टेट्स में जाते हैं, वहाँ की भाषाएं भी जानते हैं। जब वो इंसान को देखते हैं तो उन्हें इंसान नहीं दिखाई देता, इंसान के पहने गहनों पे नजर होती है उनकी। अगर मैंने उनकी खबर दी तो वो हमें मार देंगे। वकील बाबू, आज तक पुलिस वालों ने मुझ पर हाथ डालने की जरूरत ना की, पुलिस यहाँ कैसे पहुंच गई? आपने गुमड़ी पुंडी के एक एमएलए को मारा था ना? वो एमएलए का घर था। साले ने मरने को चाकू दिखाया, सीधे उसके दिल में बुलेट ठोक दी मैंने, तो गोली भीतर और जख्मी दिल बाहर। उन्हें पता कैसे लगा कि आम है? उंगलियों के निशान। उंगलियों के निशान? होशियार रहना पड़ेगा, उंगली की छाप से यहां तक पहुंच गए। बन्ना सिंह, गांव वालों से हमला करवा के गलती की हमने, देखना अब वो अकेला नहीं आएगा, सरकारी मुलाजिम है, वो 2-4 दिन खाक छाड़ेगा फिर इधर ही लौट के आएगा। वो गलती से उनके हाथ ना लगी हो, भलाई इसी में है कि चुपचाप यहीं पड़े रही हो। कोई गड़बड़ हुई तो वकील बाबू को भेज दूंगा, मैं अरावली पहाड़ में छुपा रहूंगा, काल भैरव के आशीर्वाद से सुरक्षित रहूंगा। जय भवानी। पंडित नाम है उसका, गांव का सरपंच भी है वो। इस पूरे डिस्ट्रिक्ट के मार्केट में 5 सुपारी का सप्लायर है वो, अंदर तक कनेक्शन है जी उसका, एक वही है जो आपकी मदद कर सकता है जी। कहाँ मिलेगा? सर, वो पंडित आ रहा है। मने माफ करो भाया, चाहो तो जेल में ठूस दो, उनके हाथ टॉर्चर होने से अच्छा पुलिस की 3rd degree सेल लूंगा। तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा मैं। प्रोटेक्शन? आपको अंदाजा भी है वो कितने खतरनाक है? घर में जहरीले सांप फेंक के भाग जाएंगे, आधी रात को पेट्रोल डाल के घर जला जाएंगे, रात भर घर की चौकीदारी करोगे? सर, तालाब के मगरमच्छ से कौन जिंदा बच के रह पाया आज तक? मौका मिलते आपके सर पे गोली दाग देंगे। उनके बारे में कुछ जानते ना तो कभी ऐसी बात नहीं करते सर जी आप।
जानता हूँ। के जानते हो सर? कुछ नहीं पता। चलो दो बातें बताओ। ये इनके वंशज है। आर्मी में गुरिल्ला वॉर के एक्सपर्ट थे, चुपके से वार करने के हुनरमंद। 1600 एडी में और मुगलों में एक भीषण युद्ध हुआ। बहुत बड़ी सेना लेके जंग के मैदान में आ पहुंचे। मुगलों की सेना उनके मुकाबले बहुत छोटी थी। अपनी युद्ध नीति और सेना बल की वजह से मजबूत स्थिति में थे। हर सैनिक युद्ध आरंभ करने से पहले बावली की आराधना करता है ताकि बिना जान गवाए लड़ाई जीत सके। पर इस युद्ध में हार हुई, वैभवशाली साम्राज्य नष्ट हो गया। युद्ध होने से पहले पूजा की जाती है। युद्ध के भगवान के आगे बैल की बलि चढ़ाई जाती है। गलती से खून मूर्ति पर आ गिरा। इसी पाप के चलते युद्ध में उनकी हार हुई। पत्थर मार के उन्हें जंगलों की ओर भगाया गया। साम्राज्य के पतन के बाद उसके पास रोजगार का कोई साधन नहीं था। मुगलों के हाथों मरने के डर से दर दर भटकते थे। काम की तलाश में ये लोग अपने गांव की ओर लौटे। तब से आज तक चोरी और शिकार करके अपना गुजारा करते और पीढ़ी दर पीढ़ी शिकार करना उनका मुख्य पेशा रहा था। 1980 में गवर्नमेंट ने पशुओं के शिकार पर पाबंदी लगा दी। सर्वाइव करना मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से फिर से शिकार करने लगे, लेकिन इस बार इंसानों का। उरे पुलिस की भी जीके सॉलिड होती है, लेकिन सर वो लोग कभी एक टाइम पे एक जगह नहीं रहते, हर दिन शहर बदलते हैं। अगर उनको सच में पकड़ना चाहते हो ना, तो ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। एक इन्फॉर्मेशन, 50,000 रुपए। 50,000? लो कर लो बात, मेरा यो ही रेट है एक इन्फॉर्मेशन का। आप तो सीरियस हैं? यो बड़ा मजाक तो नहीं है सर? ओके सर। सर आज के बाद ना आप मुझसे मिलने यहां पर मत आना, गांव में भड़क लग गई तो वो भड़क जाएंगे। मैं पनवाड़ियों तक खबर निकलवा लूंगा। कुछ पता चला तो मेरे आदमी की दुकान किले के सामने है, उस दिन हरे रंग की पगड़ी पहने होगा वो। हम उसके ग्रीन सिग्नल का वेट करने लगे, यानी हरी पगड़ी। एक तरफ पंडित के आदमी खोज करने में लगे थे तो दूसरी तरफ हम रोड साइड स्टॉल्स में रेलवे प्लेटफॉर्म पर कोई जगह नहीं छोड़ी। महीनों हो गए थे घर गए बन्ने सिंह की तलाश में, नॉर्थ में एक स्टेट से दूसरे स्टेट घूमते हुए। सर्दी गर्मी धूप धूल, जहां जगह मिलती वहीं सो जाते। किसी और को इस गैंग का शिकार नहीं होने देना चाहते थे। हमारा गुस्सा ही हमारी ताकत था, हर मुश्किल से जूझने का हौसला देता। घर का खाना नसीब नहीं था, होटल के पैसे भी कम पड़ने लगे। अब अपने बर्तन भी साथ रखने लगे ताकि खुद का पसंदीदा खाना बना सकें। सर खाना टेस्टी है, आपकी वाइफ बहुत लकी है सर। कैसा बना? किस चाहिए? सुपर। छोड़ो। रुको रुको रुको, यही वो बंदा। स्पेशल पान का है भाई, एक मीठा पान दे दे। ठीक है सर, पंडित से इंफॉर्मेशन मिल गई। वेरी गुड सर। सेतु सबको बुलाओ। ठीक है सर। सत्या तुम इस ऑपरेशन से हट जाओ, एक दूसरा काम है। सर मुझे इस टीम से हटा दीजिए, मैं जानता हूं आप मेरे लिए कितने परेशान रहते हैं, मुझे देखकर दुखी होते रहते हैं,
मुझे कहीं दूर भेज दीजिए। सब लोग आ गए हैं सर। यस सर। ये रखो, उस आदमी को फॉलो करो। थैंक यू सर। राम सिंह, उम्र 55, बन्ने सिंह का चाचा है। इस गैंग का ऑर्गेनाइजर, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जिसे यहाँ पटवारी कहते हैं। इनके कास्ट से इकलौता पढ़ा लिखा इंसान गैंग के लिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता है और हेड बन के उनके डिस्प्यूट्स सेटल करता है। उनके सभी कोर्ट केसेस भी हैंडल करता है। लूटे हुए जेवर को कैश में कन्वर्ट करवाता है। उनका लीगल चेहरा है। अगर उसे पकड़ लें तो इस वक्त फरार बन्ने सिंह के अलावा गैंग के बाकी मेंबर्स की इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हैं। लोकल पुलिस में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है उसके। पूरे गांव में उसकी धाक है। हर दिन अपने दिए लोन्स पे ब्याज लेने भरतपुर मार्केट आता है। वहीं हमें चुपचाप इसे उठाना होगा। गांव जाके देखा ना, मार्केट में उससे भी ज्यादा गुंडे पाल रखे इसने। पकड़े जाएंगे। अपनी गाड़ियों पे लोकल नंबर प्लेट लगवाओ। सुबह के टाइम काफी भीड़ रहेगी। उसे अरेस्ट करते समय अगर भीड़ इकट्ठी हो गई या उसे शक हो गया तो ऑपरेशन फेल हो जाएगा। जब भी उसे पकड़ेंगे किसी को कानो कान खबर नहीं लगेगी। प्लान वर्कआउट कर लिया है। फेल होने का कोई चांस ही नहीं है। आराम से पहुंच गए। 2 मिनट का टाइम है। लोगों को हवा लगे उससे पहले उसे लेके हवा हो जाएंगे। ओके सर। क्या सिर्फ 2 मिनट? 2 घंटे तक उसे हाथ नहीं लगा पाएंगे। बहुत कॉन्फिडेंस है। दरवाजा छू क्या तब तक उसे उठा चुके होंगे। ना उठा पाए तो यहाँ से लौट जाएंगे। मेरा पिंड छूट जाएगा आपसे। एक नहीं 4 बार जाऊंगा। मुकरोगे तो नहीं? आज घर जाऊंगा, मुक्ति मिल जाएगी। मधु दौड़ता हुआ आ रहा है। चोर चोर चिल्लाते हुए उसके पीछे भागो। ओके सर। डू इट नाउ। चोर, ए चोर, ए चोर, 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 मेरा सामान चोरी करके भाग रहा है। चोर, ए पकड़ो इसे, पकड़ो। सत्या, रेडी। ए चोर, 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 भाई मैं चोर ना हूँ। बात समझ लो मेरी। चोर, मारो इसे, मारो। अरे मार तुमको। अरे, अरे। विकी, मूव। अरे क्या हो रहा है उधर? चंदू। दे दो कवर। पकड़ो। तरबूज के मुंह में केले ठूस दो। चलो चलो चलो। हटो 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 भाई साहब। हटो 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 हटो। अरे हटो सामने से। जल्दी करो। जल्दी 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 जल्दी। चल अंदर। जल्दी जल्दी चलो चलो। आज के बाद जो भी कहोगे मानूंगा साहब। बस फिर से भागने के लिए मत कह रहा सर जी। एक काम करो, हराम सिंह के लिए चेन्नई का ट्रांजिट वारंट इशू करो। हराम सिंह की गिरफ्तारी के साथ ही हत्या करने वाले कुख्यात डकैतों की पकड़ने की 10 साल की कोशिश आज एक मुकाम पे पहुंची है। डीएसपी थीरन की अभूतपूर्व कामयाबी के लिए कई स्टेट के सीनियर पुलिस ऑफिसर्स ने उन्हें बधाई दी है। डीएसपी थीरन ने भरोसा दिलाया कि गिरोह के लीडर को बहुत जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। कांस्टेबल, इस बाइक पहले को रोको। ए कहां जा रहे हो? चलो 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 वापस आओ। ए कौन है वहां पर? बाहर निकलो, बाहर। इधर इधर। सॉरी सर, हम लोग लवर्स हैं, फैमिली प्रॉब्लम है इसलिए डिस्कस कर रहे थे। झाड़ी के पीछे कौन सा फैमिली प्रॉब्लम? भागो यहां से। बेगुनाह साहब। चल बोल। बेगुनाह साहब जी। सर देख क्या रहे हैं, टाइप करिए ना आप। बेगुनाह साहब जी। जल्दी बोल सर जी। बेगुनाह। बोलता है कि नहीं? बेगुनाह। इसका मतलब यह है कि समझ गया। हर सेंटेंस का एक ही मतलब है, आई एम इनोसेंट। कपड़े उतार इसके। खटमल अंदर जाएगा ना तो तोते की तरह पटार पटार आवाज निकलेगी इसके। खटमल किस लिए? जैसे ही गर्मी बढ़ेगी ना, खटमल नाभि में छेद करके निकलने की कोशिश करेगा। इस दर्द में आदमी मौत की कामना करने लगे। मैं बेगुनाह हूँ साहब जी। इसे कैसे तोड़े सर? सर बड़ा ठीक है सर, बेगुनाहों बेगुनाहों की रट लगा रखी है। सर सर, सर। Ha 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 ha
वन्ने सिंह और उसके गैंग के बारे में नहीं बताया तो ये छेद अब पैंट की बजाय तेरे भेजे में बनेगा। अभी भी तेरे पास वक्त है, तू बोल दे वरना मारा जाएगा। सच सच बता दे। मैं बेबुरा हूँ साहब जी। 15 दिनों तक उस अधेड़ को हमने टॉर्चर किया लेकिन वो नहीं टूटा। हैरानी की बात है, उनकी सहन शक्ति की सीमा, अपनी बिरादरी के प्रति अटूट वफादारी, उसके आगे हम बिल्कुल असहाय हो गए। कोई रास्ता नहीं बचा सिवाय रिमांड पीरियड बढ़ाने के। थोड़ी भी शर्म नहीं आती? एक बुजुर्ग को उठा लाए, उस पर खून और डकैती का इल्जाम लगा दिया। अगली बार कोई ठोस सबूत नहीं लाए तो देखना, रिमांड एक्सटेंड नहीं करूंगा। इनकी फीस दे दो। हाँ। शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया। इनकी बिल जल्दी करवा दो। अच्छा चलिए, अगर मैं सब ठीक है ना। सो बने सिंह हैज एस्केप और उसे ढूंढना मुश्किल है। गैंग लीडर का नाम ही नहीं पता तो उसे फिर अरेस्ट कैसे करोगे? वो गैंग इस देश के किस कोने में है इसका सिर्फ आइडिया ही लगा सकते हैं। वो विटनेस नहीं है, यानी पकड़ लिया तो उसे तुरंत छोड़ना पड़ेगा। हरम सिंह को बेल मिलते ही ये केस क्लोज हो जाएगा। सुपर्ब। सर हमें एक और ह्यूमन राइट्स का समन है। तुमने हरम सिंह को टॉर्चर किया है, ये उसकी कंप्लेन है। क्या क्या दावे किए थे, इसी वक्त ऑपरेशन को डिसमिस कर दो। उनसे यहाँ नहीं आने के लिए कॉम्प्रोमाइज कर लो। उनमें से 2 को अरेस्ट कर लो। प्रेस रिलीज में जनता को बताओ कि MLA के किलर्स पकड़ लिए गए हैं। केस क्लोज। ओके सर, आई डू इट। ये लो सर, थोड़े दिन और। क्या रे धीरज, घुटने टेक दिए? बधाई हो। सच में ऑपरेशन बंद कर रहे हैं सर? हाँ, आराम से स्टेटमेंट ले लो कि उसे मारा नहीं है। हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे। सर 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 बात तो। थैंक यू सर, थैंक यू। जी मैं पंडित बोल रहा हूँ, मुझे खबर मिली है आप सुलह करने वाले हो। इस वक्त कहाँ पर हैं? दिल्ली जा रहा हूँ। बोलो। आप यहाँ आ सकते हैं सर, एक काम की इन्फॉर्मेशन देनी है आपको। कहाँ ना? कल बताऊंगा। रूल्स फॉलो किए बिना एक गवर्नमेंट ऑफिसर को कैसे अरेस्ट कर सकते हो? कानून की कोई परवाह है कि नहीं? ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं आप? इनोसेंस को फंसाना पुलिस के लिए आम बात हो गई है। इस फाइल को पढ़ लीजिए, उसके बाद फैसला सुनाइए। इसे यहीं छोड़ जाओ। उसके साथ समझौता होते ही उन्हें ह्यूमन राइट्स से कंप्लेंट वापस लेने को कहना। ओके सर। हेलो सर, रूपवास चेकपोस्ट वाले पनवाड़ी के पास। रूपवास चेकपोस्ट, गुड, अभी आ रहा हूँ। नजीर, अपनी टीम को रूपवास चेकपोस्ट आने के लिए कहो। ओके सर। आज किस्सा खत्म करेंगे। हेलो, 5-6 लोगों की टीम लेकर रूपवास चेकपोस्ट पर पहुंचो। सर का ऑर्डर है, जल्दी करो, समझे? सत्य, कल जब हम हराम सिंह को कोर्ट लेकर जाएंगे तो सर कुछ गड़बड़ हुई तो इससे ज्यादा क्या होगा? जो होगा परवाह नहीं, मैं संभाल लूंगा। मद्रास पुलिस यहाँ समझौते खातर आ रहे हो, 2 लोग आत्मसमर्पण कर लो, केस बंद हो जाएगा। सुनो मुथुपंडी, जब हराम सिंह को बेल दिलाने ले जाओ, कोर्ट से ही 2 अक्यूज को रिमांड पर ले लेना। ओके सर, ओवर। सर, केस कंप्रोमाइज पे खत्म होगा, मैंने कभी सोचा नहीं था सर। अब यही सही, यहाँ एक मशहूर पान वाला है, खाली पेट खाने से भूख अच्छी लगती है, चलो खाते हैं। स्पेशल पान रेडी है? हम्म,
मद्रास की पुलिस यहाँ समझौते वास्ते आ रही है। माफ कर दो साहब,
मने माफ कर दो, मैं सरेंडर करता हूँ साहब, मने माफ कर दो, मने और मैं मारे साहब, मार सहन भी होती मारे से, जो कोगे करने को तैयार हूँ साहब। बाड़ी चल चले, जल्दी करो। वो भागे, चलो, रुक जाओ, पकड़ो, तैयार चलो। समझौते के लिए अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? वो कॉम्प्रोमाइज के लिए पूछ रहे हैं, क्या बोलूं मैं? कह देता हूं कि ऑलरेडी कर चुके हैं। पुलिस ने बंदे सिंह को पकड़ लिया। नहीं, नहीं हो सकता। अरुण, यहां से लेफ्ट लो। चल, उतार। इधर उधर, इधर नीचे। खड़ा हो जा यहाँ। अभी बताता हूँ। झूठ बोलता है। तूने मुझे उतर माना, रुक बताता हूँ तुझे। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। पहले क्यों मारा? मुझे मत डरा, मुझे मत डरा। इसने तुम सब पे पत्थर फेंके हैं? हाँ सर, हाँ सच है। रोज का किस्सा हो गया। मैं बेगुनाह हूँ साहब जी, मैं बेगुनाह हूँ साहब जी। बन्ने सिंह अपना मुंह नहीं खोलेगा, जल्दी उसकी बेल करवा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। घना शातिर है, चुन चुन के सबको पकड़ा। कोई तो भेदी है जो लंका को ढा रही है, पता लगाओ। जी भाई साहब। और जैसे पता लगे कुरुशिखर पहाड़ पर आ जाना, मैं वहां मिल जाऊंगा। पापा, आप घर कब आएंगे? पापा को जरूरी काम है बेटा, मैं बाद में फोन करता हूँ। सर, टॉर्चर की तैयारी हो गई है। इस बार टॉर्चर नहीं करेंगे। क्यों सर? आराम सिंह याद है, मैं बेगुनाह हूं, मुझे कुछ नहीं पता। उसके दिमाग के साथ खेलते हैं। डायनामो सर, छोड़ो जाने दो। गेम में अच्छे बनोगे या बुरे? डेफिनेटली बुरा बनूंगा सर। क्या चल रहा है आराम सिंह जी, खाना खाया? खा लिया साहब जी। ए, तुम्हारे गैंग में पढ़े लिखे लोग भी हैं? भाई भी मैट्रिक पास हूं साहब जी, गांव में बड़ी इज्जत है। व्हाट न्यूज? मस्त चल रहा है। बेचारे को हीरोइंस की कितनी फिक्र है। सिर्फ पढ़ते हो या लिखना भी आता है? हाँ, लाइए। अच्छा? मस्त हैंडराइटिंग है। चलो देखते हैं। लाइए, लाइए। लिखो। क्या लिखो? न्यूज़, न्यूज़। वही स्कैंडल वाली, स्कैंडल वाली। हाँ, न्यूज़। हाँ, वही मसाला डालना। हराम सिंह तुम्हारे खिलाफ सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो गया है। उसके बयान पे ही तुम्हें अरेस्ट किया है। यकीन नहीं हो रहा ना? ये जेवर उसी को दिए थे ना? देख लो। मैं बेगुनाह हूं सर। फिर से बोला तो ठोक डालूंगा। रिलैक्स सत्या। मुझे तुमसे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए। 1996 के बाद तुम लोग 4 साल तक तमिलनाडु क्यों नहीं आए? इनाम दूंगा, साथ में ये जेवर भी, वरना सत्या। तुम लोग आखिर 4 साल से तमिलनाडु क्यों नहीं आए? सच सच बताओ, वरना इनकाउंटर कर देंगे। नहीं साहब, साहब आगरा से डकैती करके भागे। सिकंदरा चेक पोस्ट पे पुलिस से मुठभेड़ हुई साहब, गोलियां चली। वहां से जान बचा के भागे तो फिर से पुलिस ने पकड़ लिया साहब। नजीर, सिकंदरा चेक पोस्ट पर अरेस्ट होने के बाद ये बेल पे छूटे, वहां से बेल लेने के बाद ये लोग फरार हो गए और दूसरी जगहों पर जाकर लूटपाट शुरू कर दी इन्होंने। ए, तेरी गैंग का लीडर कौन है? बोल, जल्दी बोल। गुनाह कबूल कर लिया इसने। अपनी टीम सिकंदराबाद भेजो, इसके अरेस्ट की फाइल निकलवाओ, उसमें सब कुछ मिल जाएगा।
बनने तू कब अरेस्ट हुआ? सरकारी गवाह बन के सब निकाला। वो कब बना? बनने तो बस एक फिल्मी खबर लिखी थी। फिल्मी खबर? हाँ, थोड़ा पढ़ ले, थोड़ा पढ़ ले। अरे उमर भर समझाता रात था तो मैं, पर तू अनपढ़ गवाह ही रह गया, मरवा डाला ना। क्या किया ये? मैं बेगुनो हूं साहब। सिकंदरा चेक पोस्ट पे अरेस्ट सभी गैंग मेंबर्स की लिस्ट हासिल की। एक्यूज्ड वन ओमवीर सिंह उर्फ ओमा, गैंग लीडर हरियाणा, 13 ट्रक्स का मालिक, ट्रैवल एजेंसी चलाता है, गुड्स को एक स्टेट से दूसरे स्टेट ले जाते समय डकैती डालता है। A2 खली, दरवाजा तोड़ने वाला हरियाणा, A3 बोहरा, रूट एक्सपर्ट यूपी, A4 बन्ने सिंह, लॉक खोलने वाला राजस्थान, A5 हराम सिंह ऑर्गेनाइजर राजस्थान, A6 ताराचंद वेपन एक्सपर्ट यूपी, A7 मुबीन वेपन हैंडलिंग MP, A8 गुलाम ड्राइवर महाराष्ट्र, A9 रूकेश सिंह ड्राइवर पंजाब, A10 जंकूरी ओमा की बहन जासूस राजस्थान, A11 एंथो स्पाई राजस्थान, A12 मांगीलाल खबरी हरियाणा, A13 गुड्डूमल सिंह स्नैचर हरियाणा, A14 हीना ओमा की तीसरी पत्नी काम लूट का माल बिकवाना राजस्थान, A15 खड़क सिंह स्नैचर हरियाणा, A16 राज सिंह ओमा का साला स्कूल टीचर था अब माल ठिकाने लगाता है पंजाब, A17 तोला स्नैचर MP। इन सब के फिंगरप्रिंट्स लूट की फाइल से मैच हो चुके हैं। गुड वर्क, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, सबको लाइन पे लगा दिया। क्या रहेगा सर, शक होने पर भाग जाएंगे, बहुत करीब है सर। पंडित की इंफॉर्मेशन, रुकेश चतराला रोड से भाग रहा है। ओके ओके। वो क्या कर रहा है यार, गड्डी भगा जल्दी। अरे जल्दी कर जल्दी, चल रहा, पुलिस पीछे लगी है। अरे क्या कर रहा है यार, जल्दी कर, और तेज और तेज और तेज। बैलगाड़ी क्यों चला रहा है, बैलगाड़ी की तरह मत चला। नॉर्थ से डकैती डालने साउथ क्यों आते हो? बोलना। यूपी में एनकाउंटर्स हो रहे थे सर, और हमारे लीडर ने साउथ की तरफ रुक किया था सर। आगे बोल। जब भी चेक पोस्ट पे ट्रक पकड़ा जाता, साउथ पुलिस को 20 रुपए देके पटा लेते थे। आगे बोल। यूपी में गोली मार देते और आपकी पुलिस गन नहीं रखती, पर हमारे पास है। और बोलता रहे। और वहाँ की औरतें खूब सोने के जेवर पहनती थी, इससे हमको अंदाजा लग जाता था कि घर में कितना सोना होगा सर। मुझे पता था, अपनी लुगाई को जेवर पहनने से रोकता था, वरना एक दिन मारी जाती, ये तो होना ही था सर जी। हमारे लगातार अरेस्ट करने से ओमा ने वो किया जिसकी उम्मीद नहीं थी। जिस जिस पे खबरी होने का शक था, खबर खुद दी। हमारा मेन इन्फॉर्मर पंडित मरने के डर से शहर छोड़कर भाग गया। ओमा की तरह और भी गैंग्स हैं। तमिलनाडु पुलिस का खौफ जगाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने पड़े। के बाद ओमा छुपने की जगह बदलता रहा। ये रखो, ह्यूमन राइट्स और कोर्ट में कंप्लेन करो, टॉर्चर कर रहा है। मांगीलाल किधर भाग रहा है? छोड़ो, सीधा चेन्नई निकलो।
छोड़। सभी स्टेट्स की पुलिस हमारी मदद करने लगी। उन सब की मदद से उमा गैंग से लूट का ज्यादातर माल बरामद कर लिया गया। बॉल किधर है? 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 उमा बॉल मैंने मत मारना बैग में बैग ना साहब। पता तो चल गया कि गैंग लीडर कौन है, लेकिन ढूंढने में 15 महीने लग गए। प्रिया को देखे 15 महीने हो चुके थे। उसके पास ना हो पाने का दर्द था। रिजाइन करने का मन करता जब ऐसा लगता उनके चेहरे सामने आते जो मर चुके थे। प्रिया के साथ गुजरे हसीन लम्हे याद आते। हमारी तरह औरों की हंसती खेलती जिंदगी भी उजड़ गई थी सिर्फ उस ओमवीर के कारण। ओमा, तू जहां भी छुपा है ढूंढ निकालूंगा तुझे। भाई साहब, मद्रास पुलिस ने 6 लोगों को धर दबोचा है और 2 का एनकाउंटर भी कर दिया। 8 ट्रक सीज कर दिए। कोई तो है जो पुलिस को ये सारी बातें बता रहा है? भाई साहब, अपने तो आदमी भी हैं पुलिस में, कौन हो सकता है? बोरा, हम भागते फिर रहे हैं पर वो जानवरों की तरह हमारा शिकार कर रहा है। मैं भागते भागते थक गया हूँ। हम सब एक मेमने की तरह बलि होने का इंतजार कर रहे हैं। वक्त आ गया है कुछ कर गुजरने का। शिकारी है हम, शिकार ना बनेंगे। उन पुलिस वालों को सबक सिखाएंगे। खबर फैला दो कि मैं अमीरा रेलवे स्टेशन से भागने वाला हूँ। कल के बाद उनकी लाशें नहीं मिलेंगी। उनके टुकड़े करके अरावली के चीड़ों को खिलाऊंगा। आज के बाद पुलिस की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि मारी तरफ आंख भी उठा के देख सके। ठीक है भाई साहब। डीएसपी को बताओ कि ओमवीर हमीरा रेलवे स्टेशन से भागने वाला है। हेलो सर। हेलो बेटा। कहिए अंकल। उसकी कंडीशन बहुत सीरियस है, सर्जरी करनी होगी। मैं क्या करूं, मुझे बहुत घबराहट हो रही है बेटा। तुम प्लीज यहां आ जाओ। वो फैसले की घड़ी थी, प्रिया के पास पहुंचूं या ओमवीर को पकड़ने जाऊं। फैसला जाहिर था, मेरी प्रिया मेरा इंतजार कर रही होगी। अरे मैंने कब से ही कहा था देर हो गई, पानी लेके बैठना। पता नहीं ये ट्रेन कब आएगी। देखना थैला कहाँ लगा है। ओमवीर अब तक नहीं आया सर। बॉयज अलर्ट अलर्ट, ट्रेन आ रही है। उतरने चढ़ने वाले पैसेंजर्स को चेक करो। ओके सर। सर कोई नहीं मिला, शायद ऑलरेडी चढ़ चुके हैं। सब एक एक बोगी में चढ़ो, फास्ट फास्ट। नॉन एसी चेक कर रहे हैं। ए और क्या है? हाँ कटे घुसी हो जा रहे हो, हारे को बड़ी जल्दी पड़ी है। सर बैठो। इस कंपार्टमेंट में नहीं। ठीक है, साइड हटना। हम दूसरे डब्बे में जा रहे हैं। ठीक है ठीक है। नजीर ठीक से चेक किया? सर आखिरी डब्बे तक छान मारा। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, अगले स्टेशन पर उतरेंगे। ये
जीत के लोगों को क्यों परेशान करते हैं? ये ट्रेन बीच रास्ते में रुक क्यों गई? कुछ लोग लास्ट डिब्बे में चढ़ रहे हैं, अलर्ट। हम चेक करते हैं सर, चलो चलो जल्दी करो जल्दी। नजीर चेक करो कौन लोग हैं ये। ओके सर, हम वही जा रहे हैं। ट्रेन निकल रही है, जल्दी आ जाओ। नजीर ट्रेन स्पीड पकड़ रही है, मैं बीच के डब्बे में चढ़ रहा हूँ, तुम वहां पहुंचो। ओके सर। दो डिब्बे दूर हूँ, उसे होल्ड करके रखो, मैं पहुंच रहा हूँ। भीड़ में अटक गया हूँ, कोशिश कर रहा हूँ आने की। हटो साइड। Stop the train! घोड़े तक पहुंचाओ। पास में एक गांव है, उस गांव में सिर्फ गडेरिया ही रहते हैं सर। उसके आगे बंजर भूमि और पहाड़ हैं सर। कितना दूर है यहाँ से? 2 किलोमीटर। बॉयज रेडी टू मूव। वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, हम उन्हें पकड़ सकते हैं। चलो चलो चलो, सब लोग अलर्ट रहना, कीप सर्चिंग। यस सर। चलो भाई। और कितना दूर है भैया? 2 किलोमीटर। ओ भैया, तुमने 2 किलोमीटर कहा, 6 तो चल चुके, अभी और कितने किलोमीटर है? 2 किलोमीटर। 2 का मतलब यहाँ 20 होता है क्या? लगता है गणित से इसका कोई लेना देना नहीं। अभी और कितना चलना पड़ेगा, कितनी दूर है साहब? ज्यादा दूर नहीं है, 2 किलोमीटर है। चलो। अरे बाप रे, मर गया। आ, 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 गांव दिख रहा है, जल्दी आओ। आ रहा हूँ आ रहा हूँ। कहाँ? चलो चलो जल्दी करो। काफी परेशान लग रहे हैं। टीम को यहाँ लाके गलती तो नहीं की? कुछ अनहोनी ना हो जाए, सोच के डर लग रहा है। चलो जगह तो देख लेते हैं। गांव के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स नोट कर लेना। यस सर। ये किसी भूतिया गांव से कम नहीं है सर, यहाँ सिर्फ 4 गडरियों के परिवार रह रहे हैं, उन्हीं में से एक रात के खाने का इंतजाम कर रहा है। ओके, अलर्ट रहना। यस सर। प्लान के मुताबिक इन्हें गाँव तक तो ले आए, अब इन पर अटैक करके इनका नामो निशान मिटा देंगे। अब भी नहीं, इंतजार करना,
शिकारी के लिए पहला सबक है। कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है। जंगली भेड़िए, उन्हीं से सिखाए कब और कैसे शिकार करना है। घोड़ों पे जाएंगे और उन पर अचानक पाउडर बॉम्ब से हमला करेंगे। तुम बाहर इंतजार करना, जो भी भागता हुआ दिखाई दे गोड़ी से उड़ा देना, भेड़िया की तरह घात लगा के मौत के घाट उतार देना। सो जाओ। हो जय भवानी, जय बोली, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। हीरो, चेहरे पे इतनी थकान क्यों है? ठीक से सोए नहीं क्या? सो जाओ, मेरी गोद में सुकून से सो जाओ। जाओ, पोजीशन लो, चलो चलो। वॉर टैक्टिक है, शिकारी भेड़िए। सत्या कमिन, उन्होंने मदन को मार डाला सर। ये लोग भेड़ियों की शिकार प्रणाली यूज कर रहे हैं, इस बात का फायदा उठाना होगा। क्या करना होगा? तुम्हें वहां एक टावर दिख रहा है? हाँ सर। वहां पहुंचे, दिख रहा है सर। दौड़ के जाना। मैं पूरी तरह गिर चुका हूं सर। खले! विकी! सर कूदो। यस सर। राइट की ओर भागो। सर हमको बचाइए सर। मेरी तरफ आओ।
ओमा ओमा बोला उसने भी ओमा 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 बोला बोला ये सब क्या हो गए हमारे आदमी कहाँ हैं वो कहाँ मर गए सब Shit, boys, ओमा को स्पॉट कर लिया है वो मेरे सामने है सब नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की तरफ जाओ चारों तरफ से घेर लो केयरफुल सर धुएं में कुछ दिखाई नहीं दे रहा अब क्या करें सर सत्या डोंट लूज हिम पीछा करते रहो उसका रास्ता ब्लॉक कर दो उसे जाने मत देना मैं पहुंच रहा हूं काले घोड़ा लेके आ आ रहा हूं चलो वो दोनों अलग अलग दिशाओं में जाएंगे सत्या खली को गोली लगी है उमा घोड़े पर भाग रहा है मुझे घोड़ा ला के दो Ah!
सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, आपसे मिलना चाहता हूँ सर। प्लीज सर, संडे को। थैंक यू सर। दो महीने से चेयर बदलने के लिए कह रहा हूँ। एप्लीकेशन डाल दिया सर। इतना बड़ा केस सॉल्व किया, फिर ये डमी पोस्ट किस लिए? डिपार्टमेंट के प्रति ईमानदारी दिखाऊंगा, ऐसे ही इनाम मिलते रहेंगे। ऐसे कई रिवॉर्ड्स ले चुका हूं। हाईवेज बदल चुके हैं, पुलिस में टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव हो गई है, पर इस केस की बात करूं तो जो सम्मान वीआईपीज को मिला, एक आम नागरिक को भी मिलता तो बहुत सी जानें बच जातीं। क्या डिपार्टमेंट की गलती थी, या फिर उसे चलाने वाले नेताओं की, या फिर ऐसे नेताओं को चुनने वाली पब्लिक की? यह बहस तो अनंत है। जब तक जवाब न मिले, जुर्म निर्दोषों की हत्याएं होती रहेंगी। द इनोसेंट पीपल विल डाई अगेन एंड अगेन एंड अगेन फॉरएवर। सर। सत्या, हे स्मॉल लायन, कितनी बड़ी हो गई हो। अंदर आओ ना। इट्स ओके सर, बस आपसे मिलकर सैल्यूट करना चाहता था। यू आर रियली ग्रेट सर। ये फिल्म उन सभी ईमानदार ऑफिसर्स को समर्पित है जिन्होंने हमारे लिए निस्वार्थ भाव से कुर्बानियां दी। मैं उन्हें सैल्यूट करता हूँ। पूरे भारत में उनके खिलाफ केसेस थे, लेकिन तमिलनाडु पुलिस ने कोमा गैंग के 13 वहशी गैंग मेंबर्स को अरेस्ट किया और दो को एनकाउंटर में मार गिराया। 1995 से 2005 तक ऐसे 45 डकैती के केसेस हुए जिनमें 14 निर्दोष व्यक्तियों की जानें गईं और 62 लोग उम्र भर के लिए अपाहिज होकर सामान्य जीवन जीने से महरूम हो गए। इसे एक रेयर केस मानकर जज ने 4 को फांसी की सजा सुनाई और बाकी अक्यूज को उम्र कैद की कठोर सजा सुनाई गई। उनकी अपील के बाद कोर्ट ने फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। मुखिया आरोपी ओमवीर उर्फ ओमा की जेल में ही मौत हो गई और उसकी मौत की इंक्वायरी आज तक चल रही है। इस केस को सॉल्व करने वाले ऑफिसर्स को ना तो कोई प्रशंसा मिली, ना कोई अवार्ड मिला और ना ही कोई प्रमोशन।